अपार संसार समुद्र से तुम भजा मैं भागवत स्वरूपम नारायणम नमस्कृत्य नरम च एव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत भक्त्या विहीनाय अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणार वृंदम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण किसको बनाओगे? छोटे को बनाएंगे। वो जो छोटी लड़की उसको बना दो। छोटी लड़की अभी नहीं, बाद में लास्ट में ड्रेस भी तो धोती वो येलो धोती ऐसी एक और उससे हो जाएगा उससे पूरा कवर अप हो जाएगा। छोटी पाएगा चलो डबल करके करा देगा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् शील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। चलो आप सब शांति का दान दे दो 5 मिनट। कल हमने कथा को जब समाप्त कर रहे थे तो बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाया था, याद है? अजामिल का प्रसंग सुनाया था। तो वहां पे एक बड़ा सुंदर उपाख्यान आता है। एक गुफा में बहुत अंधकार है और उस गुफा में हजारों साल से अंधकार है, हजारों साल हो गए वहां पे कभी भी किसी प्रकार की कोई किरण ने प्रवेश नहीं किया। अब वो उस गुफा में अगर कोई जाता है जहां पे हजार साल से अंधकार है और वहां पे कोई एक दीप जलाता है, अब दीप जलाने के कितने समय बाद वहां पे उजाला आएगा? कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे। हाँ। है आधा घंटा, कितना टाइम लगेगा दीप जलाने के साथ साथ ही वहां पे उजाला आ जाएगा? चाहे वहां पे वहां पे यद्यपि अगर हजारों साल से भी अगर वहां पे अंधकार था लेकिन दीप जलते ही क्या होता है, एक क्षण में ही उजाला आ जाता है। उसी प्रकार से बताया कि जो हमारा हृदय है, हमारे हृदय के अंदर क्या है, अज्ञान है। कब से अज्ञान है? कोटि कोटि जन्मों से अज्ञानी है हम लोग, भगवान से विमुख हो चुके हैं, बहुत सारे पाप की वासनाएं हृदय में पाप करते हैं। लेकिन जैसे कोई भगवान का नाम लेता है, नाम लेने के साथ साथ क्या होता है, उसका जो हृदय है वो अज्ञान से ज्ञान की ओर पड़ जाता है, अंधकार से ज्योति की ओर चल पड़ता है। भगवान के नाम की कैसी महिमा है, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर चले तीर्थ यात्रा पे, दशरथ जी क्या कर रहे हैं, दशरथ जी वहां पे गए हैं शिकार खेलने, तो दशरथ जी को आवाज सुनाई दिया कि कोई जानवर पानी पी रहा है, पास में ही किसी सरोवर से पानी पी रहा है। तो एक बाण होता है जिसको बोलते हैं शब्द बाण। शब्द बाण का क्या विचित्र है कि शब्द बाण को जब छोड़ेंगे तो जहां से शब्द आ रहा है वो बाण वहीं पे जाके जहां से शब्द आया है उसको ही प्रहार करेगा। तो जैसे ही दशरथ महाराज जी ने शब्द बाण छोड़ा, वो शब्द बाण उस सरोवर के तट पे श्रवण कुमार को जाके लगा। अब श्रवण कुमार आवाज देते हैं, अपने माता पिता को पुकारते हैं, तो दशरथ महाराज जी भागे भागे गए। अरे मैं तो सोच रहा था ये तो कोई पशु होगा लेकिन ये तो किसी नर का आवाज है, और जाके देखा तो मेरा बाण श्रवण कुमार को भेज चुका है हृदय को। अब बड़ा प्रायश्चित हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया कि श्रवण कुमार को बाण मार दिया, मैं तो सोच रहा था कोई हिरण पानी पी रहा होगा। तो श्रवण कुमार ने बोला कि देखो राजा, जो हो गया सो हो गया, कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि मरने से पहले मेरे जो माता पिता है वो प्यासे ना जाए, उनको मैं पानी पिला दूं, तो ये पानी का पात्र लो और जाके मेरे माता पिता को पिला दो। दशरथ महाराज जी श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं, श्रवण कुमार मर चुका है और उसके माता पिता को बोलते हैं आप ये पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, हमारा पुत्र कहाँ है, पहले ये बताओ हम तुम्हारे हाथ से पानी क्यों पिए। तो उन्होंने रोते रोते बताया कि मेरे से तुम्हारे पुत्र का मृत्यु हो गया। तो वहां पे जो उनके माता पिता थे, उन माता पिता का भी क्या होता है,
अपने पुत्र के शोक में श्रवण कुमार के माता पिता का भी उसी समय प्राण त्याग देते हैं और राजा को श्राप और दे जाते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तू भी अपने पुत्र के वियोग में ही प्राणों को छोड़ेगा। अब उसके बाद दशरथ महाराज जी को बहुत दुख हो रहा है कि मैंने एक बाण से तीन लोगों को मार दिया, श्रवण कुमार भी, उनके माता पिता भी। अपने गुरु जी के आश्रम में गए, उनके गुरु जी कौन है कौन बताएगा? दशरथ महाराज जी के गुरु जी का नाम नहीं पता? वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि मेरे गुरु जी भी अभी आश्रम में उपस्थित नहीं है, उनका पुत्र वहां पे है। उनके पुत्र से पूछा कि देखो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया? एक ही बाण से तीन हत्या कर दी, अब उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, क्या प्रायश्चित है? तो वशिष्ठ तो उस समय थे नहीं, उनके जो पुत्र थे उन्होंने बोला, राजन इसका एक ही प्रायश्चित है, आपने तीन हत्या करी है, तो तीन हत्या करने के कारण आपको भगवान का राम नाम लेना पड़ेगा तीन बार। आप तीन बार राम राम और राम बोलोगे तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। दशरथ महाराज जी ने कहा ठीक है, संकल्प लेके उनके पुत्र ने उनसे तीन बारी राम नाम बुलवाया। क्या बुलवाया? राम राम राम। हाँ, अब तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, अब जाइए और अपना जो आपका कार्य है राज्य भार उसको अच्छी तरह संभालिए। अब जब उतने में ही अपने राज्य को लौट रहे थे तो रास्ते में उनको मिल गए वशिष्ठ जी। राजन कैसे आना हुआ? हाँ, मैं आपके आश्रम में गया था, आप तो मिले नहीं गुरु जी, आपका पुत्र मिला था तो उसने मेरा प्रायश्चित करवा दिया। क्या प्रायश्चित करवाया? तीन बारी राम नाम लेके मेरा प्रायश्चित करवा दिया। अब जैसी ये बात वशिष्ठ जी ने सुनी बड़े क्रोधित हो गए, बोले कि मेरे पुत्र ने क्या किया, भगवान के नाम का महिमा कम कर दिया, उसने तो असुर वाला कार्य किया है, उसको तो असुर योनि में जाना चाहिए, तीन बार राम लेने को क्यों बोला, एक ही बारी राम नाम लेने से तीनों जो आपने हत्या करी है तीनों का ही प्रायश्चित हो जाता। तो उसने तीन बारी राम लेने के लिए बोल दिया, तो इसका मतलब क्या किया, भगवान के नाम की महिमा को कम कर दिया, तो अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि में चले जाओ। तो ऐसे भगवान के नाम की महिमा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम एक बारी भी लेता है, एक बारी नाम लेने से क्या होता है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हारणे हरे, एक बारी भगवान का नाम लेने से इतने पाप हमारे खत्म हो जाते हैं जितने पाप हम लोग कर नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और बताई थी कि अगर कोई नाम के बल पे क्या करता है, नाम अपराध, कि मैं नाम के बल पे क्या करता हूँ, पाप करूंगा, नाम के बल पे पाप कैसे करूंगा, कि हाँ हाँ मैं भगवान का नाम लेता रहता हूँ और पाप भी करते रहता हूँ, पाप का तो प्रायश्चित हो ही जाएगा, तो वहां पे क्या होता है, उसका नाम अपराध हो जाता है। तो वहां पे भगवान का जो नाम है, भगवान के नाम की महिमा बहुत है, सारे शास्त्र जो है भगवान के नाम की महिमा का गान करते हैं, यहाँ तक कि ये तक बताया गया है कि इस कलयुग में जो भगवान का नाम लेते हैं वो कलयुग में नहीं रह रहे, जो भगवान के नाम के संग में रहते हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो सतयुग में रह रहे हैं, और जो भगवान का नाम नहीं लेते उनको शास्त्र फिर बहुत गालियां भी देते हैं कि वो लोग कैसे हैं, मंद बुद्धि हैं, दुर्भाग्य हैं, अल्प ज्ञानी हैं। तो हम अगर भगवान का नाम अपने जीवन में नहीं लेते तो हमारी स्थिति कैसी है, बताया कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य कि कलयुग में मनुष्य जीवन मिल गया, नाम रूपी नौका सामने खड़ी है, भवसागर को पार जाने के लिए मनुष्य जीवन मिल चुका है, नाम रूपी नौका है, चढ़ो और पार हो जाओ। लेकिन जो भगवान के नाम रूपी नौका जो इतनी सुलभ है कलयुग में, उसका आश्रय ग्रहण नहीं करता, भव सागर को पार नहीं जाता और फिर भी नरक की ओर चले जाता है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतना सुलभ है भगवान को प्राप्त करना, तब भी हम लोग नहीं कर पाते। फिर आगे भागवत में एक बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं आती है जो हमारे गुरुदेव को बहुत प्रिय लगती थी, वो है वृत्तासुर की प्रार्थनाएं। वृत्तासुर एक बहुत बड़े असुर हुए हैं, ये असुर तो थे लेकिन ये असुर होने पर भी भगवान के भक्त थे। इनका पूर्व जन्म क्या था, जब वृत्तासुर की प्रार्थनाएं परीक्षित महाराज जी ने सुनी तो परीक्षित महाराज जी सोचे पड़ गए कि क्या कोई असुर भी इतनी सुंदर भगवान से प्रार्थनाएं कर सकता है। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस असुर तो भगवान के हमेशा क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, लेकिन ये असुर भगवान का इतना श्रेष्ठ भक्त कैसे निकला। तो बताया कि ये जो वृत्तासुर थे ये पूर्व जन्म में एक राजा थे, इनका नाम था राजा चित्रकेतु। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, इतनी सारी पत्नी होने पर भी पुत्र किसी का नहीं था, हमेशा दुखी रहते हैं कि एक नहीं लाखों पत्नियां हैं,
लेकिन किसी के साथ भी मेरा पुत्र होता ही नहीं है। तो चित्रकेतु महाराज एक दिन अपनी एक पत्नी के साथ अंगिरा ऋषि से मिलने के लिए गए। बोले कि देखो मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, इतनी सारी मेरे पास राजकन्याओं के साथ मैंने विवाह किया, इतनी सारी मेरी पत्नियां हैं, लेकिन एक चीज का अभाव है जीवन में, वो क्या है, एक पुत्र नहीं है। अगर एक पुत्र भी मिल जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, मेरे को एक पुत्र दे दो। तो ऋषि ने उनको समझाया कि जब तुम्हारे हाथ के प्रारंभ में लिखा ही नहीं है कि तुमको पुत्र मिले तो क्यों जबरदस्ती करते हो। नहीं नहीं ऋषि, मुझे एक पुत्र दे दो। उनके पीछे पड़ गए। बोले चलो जब तुम इतना जिद करते हो, तुम्हें एक पुत्र मैं दे ही देता हूँ, लेकिन ये जो पुत्र होगा ये तुम्हारे हर्ष का कारण भी बनेगा और पुत्र ही तुम्हारे शोक का कारण भी बनेगा। तो इसलिए पुत्र का नाम हुआ हर्षाशोक। हर्ष भी वो देगा और शोक भी वो देगा। अब इस जगत में देखना, एक व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ वो बहुत दुखी होता है कि मेरा विवाह नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति जिसका विवाह हो गया और पत्नी जो आई है दिन रात उसको बहुत उसके ऊपर शासन करती है, गाली गलौज करती है, मारती है, वो भी दुखी होता है। अब दोनों में से कौन ज्यादा दुखी, जिसका विवाह नहीं हुआ वो ज्यादा दुखी या जिसका विवाह हो गया और पत्नी आके बहुत उसको मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, वो ज्यादा दुखी? दोनों में से कौन ज्यादा दुखी होगा, जिसका नहीं हुआ या जिसका हो गया और उसके बाद पत्नी जो है ठीक नहीं आई? जिसका हो गया और पत्नी बहुत उसको प्रताड़ित करती है। तीसरा, विवाह हो गया, विवाह होने के बाद पत्नी भी अच्छी आई है लेकिन बच्चा नहीं होता। अब तीनों में से कौन ज्यादा दुखी, जिसका विवाह नहीं हुआ वो ज्यादा दुखी या जिसका विवाह हो गया और पत्नी दुखी करती है, या जिसका विवाह हो गया पत्नी ठीक है लेकिन आगे संतान नहीं होती, कौन ज्यादा दुखी? तीसरे वाला सबसे ज्यादा दुखी कि संतान होती नहीं है। तो इस जगत में हम लोग जितना अपना विस्तार करते रहते हैं उतना ही क्या होता है, जीव और दुखी होता रहता है। अब चौथा, जिसका संतान भी हो गया लेकिन संतान कैसी है, अपने ही माता पिता के ऊपर शासन करती है, माता पिता को गाली गलौज करती है, माता पिता को मारती है, अब वो और भी ज्यादा दुखी। वो बोलते हैं संतान हुई ही क्यों, नहीं होती तो अच्छा था। तो इस जगत में होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, कर्माणि आरामाणानां सुखा हत्यायी दुखाय च, कि जब मैं कर्म करना शुरू करूंगा तो क्या होगा, इससे मेरे सारे दुख चले जाएंगे और मुझे बहुत सुख आएगा, सोचते हैं ऐसा। लेकिन होता क्या है, पश्येत पाप विपर्यासम, और बाद में देखते हैं उल्टा हो जाता है। जो थोड़े बहुत सुख पहले थे वो सुख भी क्या होते हैं, बाद में वो सुख भी चले जाते हैं और दुखी और जीवन में आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी प्लानिंग करते हैं, हमारी जितनी भी प्लानिंग होती है उसका आधार क्या होता है, अपने इंद्रियों का तर्पण करना। इसलिए जब हमारा आधार क्या है, अपनी इंद्रियों का तर्पण करना, इस कारण से हम लोग दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपनी सारी प्लानिंग का आधार ये रखें कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को, तो जो कृष्ण को प्रसन्न करेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, और जो अपने आप को प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा भगवान से बहिर्मुख होके वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो वहां पे अब ऋषि को बोला कि मुझे तो पुत्र चाहिए। तो ऋषि ने इसकी जो ये एक पत्नी के साथ ये गया था उस पत्नी को आशीर्वाद दिया कि तुम गर्भवती हो जाओगी और तुम्हारे यहाँ से हर्षाशोक नामे एक बालक का जन्म होगा। अब राजा का पुत्र हुआ, राजा का पुत्र हुआ, नाम रखा हर्षाशोक। अब राजा बहुत आनंदित कि इतनी बड़ा राज्य है, इतनी सारी मेरी पत्नियां थी, लेकिन आज कम से कम एक पुत्र तो हुआ। दिन रात उस पुत्र के साथ ही क्या करता है, महल के बाहर ही नहीं निकलता, दिन रात उसी पुत्र के साथ में ही लगा रहता है, और बाकी अपनी रानियों को भी भूल गया। इसी रानी से ही अब सबसे ज्यादा प्रेम, बाकी सारी रानी से प्रीति जो था वो धीरे धीरे क्षीण होता गया। अब सारी रानियों ने मिलकर सोचा कि इस राजा के पास जैसे ही एक पुत्र हुआ ये तो हम सबको भूल ही गया, दिन रात इस पुत्र का ही चिंतन करता है, पुत्र के ही प्रेम में पागल हो चुका है, हमको पूछता भी नहीं है। तो हम रानियां सारी मिलकर क्या करती हैं, इसका ये जो पुत्र है इसको मार देती हैं। इसको मारने से क्या होगा, कम से कम राजा हमसे जो पहले प्रेम प्रीति करता था पुनः प्रेम प्रीति तो करेगा। एक दिन बच्चा सोया हुआ था, माता कहीं दूर है, राजा अपने राज्य कार में है, सारी पत्नियों ने बाकी जो रानियां थी उन्होंने मिलकर क्या किया, इसको जहर देके बच्चे को मार दिया, इसके मुंह से झाग निकलने लगा और बच्चे का वहीं पे तत्क्षण मृत्यु हो गया। जो वहां पे रानी थी भागी भागी आई, देखा मेरा बच्चा कुछ बोलता नहीं है, राज कर्मचारियों को बोला कि जाओ राजा को बुला के लाओ। राजा ने आके देखा, हाय हमारा बालक कुछ बोलता नहीं है, वैद्य को बुलाओ। वैद्य ने बोला तुम्हारा बालक तो मर चुका है। तो राजा बहुत फूट फूट के रोने लगा,
अपना जो सारे अलंकार है जमीन पे फेंक दिए। उसकी पत्नी जो है अपनी साड़ी और अपना सारा अलंकार खोल खोल के बहुत रोती है। राजा अपना जो सर है बार बार पीटता है दीवार से कि हाय मेरा एक ही पुत्र था वो भी चला गया, बहुत दुखी होता है। उसके दुख को देख के वहीं पे नारद जी आए, अंगिरा ऋषि भी आए, और वहां पे आने के बाद उसको थोड़ा सा दिव्य ज्ञान दिया, उसको समझाने का प्रयास किया। हमारे गुरुजी एक बड़ा उदाहरण, सरल उदाहरण से समझाते थे कि किसके लिए रो रहे हो। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोलते ना कि वो चला गया, किसके लिए रो रहे हो। तो गुरुदेव बोलते थे कि तुम जिसके लिए रो रहे हो, जिसके लिए तुम रो रहे हो वो कहाँ चला गया, क्या वो अयोध्या चला गया, काशी चला गया, हरिद्वार चला गया, बैंगलोर चला गया, कर्नाटका चला गया, कहाँ चला गया। नहीं नहीं वो चला गया। अच्छा चला गया, ठीक है तुम उसके लिए रो रहे हो, वो चला गया, कहाँ चला गया तुम्हें पता नहीं है। उसके अंदर जो था वो चला गया, जिसके लिए तुम रो रहे हो उसका शब्द तो यहीं पे ही है, तो कौन चला गया। नहीं जो इसके अंदर था वो चला गया। अच्छा जिसके लिए तुम रो रहे हो उसके अंदर वाली वस्तु चली गई, तो क्या तुमने उसको कभी देखा था, वो देखने में कैसी थी, मोटी थी, पतली थी, काली थी, गोरी थी, कैसी थी, उसको तो मैंने कभी देखा नहीं। जिसको तुमने देखा नहीं उसके लिए तुम रोते हो, जिसको तुमने पूरा जीवन देखा वो तुम्हारे सामने ही पड़ा है, तो फिर रोते किस चीज के लिए हो, किस 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 बात के लिए रोते हो। तो वहां पे फिर उसको समझ में आया कि हाँ कि मैं जिसको अपना पुत्र मान के रो रहा हूँ उसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मेरे उसके साथ कभी संबंध ही नहीं था, शरीर तो यहीं का यहीं पड़ा है। आत्मा जो है कैसी होती है, उसमें फिर आगे बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया, संयुजानते वियुजानते तथा कालेन देहिना, कि जिस प्रकार से श्रोतो वेगेन बालुका, जैसे एक बहुत स्रोत आता है किसका, सागर में आपने देखा होगा बहुत सारी लहरें होती है, जब लहर ऐसे आती है तो वहां पे जो बालू के कण होते हैं वो बालू के सारे कण एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और बच्चे वहां पे क्या करते हैं, बालू के कण से कोई वहां पे पहाड़ बनाता है, कोई शिवलिंग बनाता है, कुछ ना कुछ खिलौने बनाते हैं। फिर अगले ही क्षण जो उसका स्रोत है वो बहुत पीछे चले जाता है समुन्द्र का, फिर पुनः कुछ क्षण के बाद जब वो वापस आता है तो क्या करता है, सारी बालू को पूरा समतल कर देता है और उसके बाद फिर वापस चले जाता है। तो इस प्रकार से जो बालू का जो स्रोत जो है बार बार जब आता है और जाता है तो वहां पे जो बालू कण है वो कभी एक साथ मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। अब वहां पे कितने सारे बालू कण है, वहां पे तो अंगिनत बालू कण है, वो साथ में आते हैं, मिलते हैं और अलग हो जाते हैं, मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। तो क्या वहां पे वो बालू कण रोएंगे कि हाँ हाँ पहले तो मैं इसके साथ था, अब जो अगली वेव आई उसने मुझसे अलग कर दिया, वो तो रोएंगे नहीं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स पड़ी है, एक चेयर वहां पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, कल हो सकता है वो यहाँ की पड़ी हो, वो वहां पे पड़ी हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, वहां पड़ी थी तो वो वाली चेयर वहीं क्यों नहीं पड़ी, इधर क्यों नहीं पड़ी। तो उसी प्रकार से बताया कि जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो जीव आत्माएं भी कैसी है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है। हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में हमारे साथ डब्बे में कितने सारे लोग बैठ के आ रहे होते हैं, क्या वही लोग हमें दोबारा उस ट्रेन में मिलते हैं, नहीं मिलते, कुछ समय के यात्री होते हैं, मिलते हैं उसके बाद बिछड़ जाते हैं। तो ये जगत ऐसा ही बना है, इस जगत में हम जितने भी लोगों के साथ मिलते हैं कुछ क्षण के लिए हम लोग मिलते हैं, हम किसी को अपना माता, किसी को पुत्र, किसी को भाई, किसी को बहन मान लेते हैं, और अगले जन्म में कौन किसका माता, कौन पुत्र, कौन पति, पूर्व जन्म में भी हमारे कितने माता पिता रहे हैं, अगले जन्म में भी रहेंगे, हम भी पूर्व जन्म में किसी के माता पिता थे। तो इस प्रकार से जो जीव है वो क्या करता है, 84 लोक योनियों में भटकता रहता है, और इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए में कभी किसी को अपना भाई, बंधु, बांधव बनाता रहता है, लेकिन इस बात को भूल जाता है, क्या मेरे नित्य माता पिता कौन है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, माता अहम असे जगतो माता धाता पितामा, कि मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा कौन हूँ, परम बांधव हूँ। तो कृष्ण ही हमारे नित्य माता पिता और बांधव हैं, और जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो इस जगत में क्या करते हैं, सबको ही अपना माता पिता या बंधु बांधव मान के बैठ जाते हैं। लेकिन इस जगत के जितने भी संबंध है वो सारे संबंध का आधार क्या है, शरीर, शरीर खत्म संबंध खत्म। नोएडा में एक लड़की का शादी होना था, अमीर घर की लड़की है, शादी से 2 दिन पहले ही लड़की अप्रकट हो गई, उसका मृत्यु हो गया। अब जब मृत्यु हो गया उसका अगला जन्म वही पास में किसी एक गांव में हुआ, गरीब घर में। जब वो लड़की 5 साल की हो जाती है उसको अपना पूर्व जन्म याद था,
अखबार में भी ये पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल छप के आया था, उसको अपना पूर्वजन्म याद है। तो जो उसके गरीब माता पिता थे उसने अपने माता पिता को बताया कि देखो पूर्वजन्म में मैं पास में ही नोएडा में इस बहुत अमीर सेठ की लड़की थी, मेरी शादी होने वाली थी, शादी से दो दिन पहले ही मेरा मृत्यु आ गया। तो माता पिता ने देखा चलो हम इसके माता पिता के पास जाते हैं, तो उसके माता पिता के पास गए और बोले देखिए ये आप ही की ही कन्या है, शादी से दो दिन पहले इसका मृत्यु हुआ था, इसने हमारे घर में अब जन्म ले लिया है, हम लोग बहुत अभावग्रस्त हैं, हमारे पास अच्छा घर मकान कुछ भी नहीं है, तो आपने तो इसकी शादी में दहेज देना ही था, तो जो आपने दहेज देना था वो दहेज जो है अब आप हमें दे दीजिए, हम इसका परवरिश करेंगे। और उसको पूरा विश्वास भी हो गया कि हाँ ये मेरी ही बेटी है, उसने बता दिया पिताजी आपने मेरे दहेज के लिए यहाँ पे ये रखा था वो रखा था। तो उसने बोला कि देखो बेटी ये बात तो ठीक है कि तुम पूर्व जन्म में मेरी बेटी थी, इस जन्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, एक गरीब घर में हुआ है, लेकिन पूर्व जन्म में जो तुम्हारा और मेरा संबंध शरीर का संबंध था वो शरीर अब नहीं है, अब तुम्हारा शरीर का संबंध किसके साथ है, इस माता पिता के साथ है, तो अब ये तुम्हारे माता पिता है, इसलिए तुम इनके पास से जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जैसे कई बार मैं एक जयपुर में एक लड़का है उसको मैंने मजाक में बोला, उपहास करते हुए बोला, मैंने बोला अगर तेरे को पूर्व जन्म में पता चल जाए कि तू बंदर था और तेरे छोटे छोटे बच्चे थे और अगर वो तेरे पास आके बोले कि हाँ पापा आप हम आपके पूर्व जन्म की संतान है बंदर, तो तू क्या करेगा? उसने बोला उसको लात मारूंगा। मैंने कहा लात क्यों मारेगा? कह रहे हाँ ऐसे कर्म क्यों करेगी तू बंदर बने, मेरे से कुछ सीखो मैं मनुष्य बनाऊ अच्छे कर्म करते हैं। खैर जो भी हो हम लोग इस जगत में जितने भी संबंध है वो किसके आधार पे है? शरीर के आधार पे, शरीर खत्म संबंध खत्म। तो वहां पे जो चित्रकेतु महाराज जी हैं उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वो क्या करते हैं, अब हर्ष और शोक, उसी पुत्र ने उनको क्या दिया, हर्ष भी दिया और शोक भी दिया। अब उनको जीवन का सच समझ में आ गया कि भाई इस जीवन का एक सत्य है, सत्य क्या है कि इस संसार में आप जितना सुख लेने का प्रयास करोगे तो हर सुख के साथ दुख भी छुपा है। आपने इस जगत में कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा, कोई भी, जिसको कभी दुख ना मिला हो? अगर सुख मिला है तो दुख भी तो मिला है। हाँ ये हो सकता है कि सुख ज्यादा हो दुख कम हो या दुख ज्यादा हो सुख कम हो, लेकिन सुख और दुख का पहलू तो चल रहा है ना। तो उसने सोचा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस द्वंद से ऊपर उठ जाता है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं त्रिगुण्य वेश्य वेदा निस्त्रिगुणो भव अर्जुना, कि अर्जुन तुम इस संसार के द्वंद से ऊपर उठो, ये सुख दुख हानि लाभ से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके तुम नित्य आनंद में रह सकते हो। नित्य आनंद यानी कि 24/7 केवल आनंद आनंद और आनंद, और वो आनंद भी कैसा है जो हर क्षण बढ़ते जा रहा है। इस जगत में कोई एक ऐसा सुख बताओ, एक सुख जो हर क्षण बढ़ता रहे, कोई भी ऐसा सुख है क्या? कोई भी ऐसा सुख नहीं है। कोई बोलता है कि हमें बहुत अच्छा पिक्चर देखना अच्छा लगता है, तो क्या वो उस पिक्चर को पूरा जीवन देख सकता है? दिन रात पागल हो जाएगा, नहीं देख सकता। कईयों को गाने सुनने अच्छा लगते हैं, क्या 24 घंटे गाने सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। लेकिन जो भगवान का सुख है वो कैसा है? वो एवर इंक्रीजिंग और नित्य, उसमें किसी प्रकार का कोई शेयर नहीं होता। जैसे देखो रामायण कितनी पुरानी है बताओ, रामायण कितनी पुरानी है, कितने लाख साल पुरानी है रामायण, जानते हैं आप लोग? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग से पहले कौन सा था? द्वापर युग। द्वापर युग कितना लंबा होता है? कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। अभी कलयुग शुरू हुआ, 5,000 साल हुए हैं। द्वापर था 8,64,000 साल। द्वापर था 8,64,000। उससे पहले था त्रेता युग। तो राम जी कब आए थे? त्रेता युग में आए थे। और त्रेता युग में आए थे तो बीच का द्वापर युग तो चला गया ना, तो कम से कम 8.5 लाख साल पहले आए थे, 8,64,000 साल पहले। और रामायण कब लिखी गई है? राम जी के भी आने से पहले रामायण लिख दी गई थी। तो कितने लाखों साल पुराना ये रामायण ग्रंथ है या नहीं है? तो आज भी क्या आउटडेटेड हो गया कि नहीं जी? अब आउटडेटेड हो गया, अब हम रामायण का रामायण रिटर्न्स लेके आते हैं या रामायण की हम कोई रिमिक्स बना देते हैं, होता है क्या? नहीं होता, वो ही चल रहा है। भगवद गीता कितना प्राचीन ग्रंथ है, हमारे सारे पुराण, ये पुराण कब लिखे गए थे? ये पुराण लिखे गए थे आदि में, सृष्टि के आदि में, करोड़ों साल पुराने हैं, लेकिन तब भी सारे पुराण को लोग आज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। और सुबह जो न्यूज़पेपर आता है उसको अगले दिन के लिए कोई संभाल के रखता है कि हाँ हाँ न्यूज़पेपर जो आज आया, आज बहुत अच्छी अखबार थी, इतना अच्छा न्यूज था, इसको तो मैं लेमिनेट करा के रख के रखूंगा, इसको तो मैं आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, कोई करता है क्या? अखबार पढ़ी और पढ़ने के साथ साथ अखबार को क्या करते हैं?
देखना कभी भी अखबार पढ़ने के बाद उसको कोई जाके शेल्फ पे नहीं रखता है, सिर्फ फेंक देते हैं। देखा नहीं देखा, सुबह अखबार वाला भी कैसे आता है, कचरा भर के पूरा घरों में फेंक के जाता है, उसको भी हम पढ़ते हैं दिमाग में कचरा डाल के हम भी फेंक देते हैं। तो इस जगत की जो जितनी भी इस जगत का जो ज्ञान है उसमें आनंद नहीं है। लेकिन रामायण को देखो कैसे रखा जाता है, उसको घर में एक आसन देके रखा जाता है, और उसको रामायण को कितने लाखों वर्ष से हमारे सब ऋषि मुनि गा रहे हैं, आज भी लोग गा रहे हैं, कल भी गाते रहेंगे। आज भी लोग क्या करते हैं, अभी लॉकडाउन में आया था ना महाभारत और रामायण, सब लोग घर बैठ के देख रहे थे। क्यों, हर साल राम जी की लीलाओं को क्यों गान किया जाता है, उसमें एक आनंद है। लेकिन इस जगत की जितनी भी भौतिक लिटरेचर हो या फिर भौतिक इस जगत का जो भी साधन हो उसमें कहीं पे भी आनंद नहीं है। इसलिए कुछ समय के बाद वो क्या लगता है, पुराना लग जाता है कि नहीं नहीं देखो जैसे एक उदाहरण समझो, किसी ने कहीं पे एक नया मॉल बना, कोई नया मॉल बना तो सब लोग देखने जाते हैं ना, देखो नया मॉल बना है, नई बिल्डिंग बनी है, नई मार्केट बनी है, देखने के लिए जाते हैं। और जब वो मॉल पुराना हो जाता है तो नहीं नहीं अब ये गंदा हो गया, इसको थोड़ा रिपेयर करो। लेकिन मंदिर में देखो उल्टा है, जितना पुराना मंदिर होगा उतना ज्यादा लोग जाएंगे, अरे देखो वो कितना पुराना मंदिर है, 1000 साल पुराना मंदिर है, 2000 साल पुराना मंदिर है, चाहे टूटा हो पूरा खंडर हो, लेकिन तब भी देखने जाते हैं। क्यों, क्योंकि अध्यात्म जगत में क्या है, अध्यात्म जगत में एवर इंक्रीजिंग और इस जगत में डिक्रीजिंग। इस जगत में हर चीज का क्षय होता है, उस जगत में क्षय नहीं होता, उस जगत में हर वस्तु बढ़ती है। तो वहां पे चित्रकेतु महाराज जी घर त्याग देते हैं और क्या करते हैं, घर त्याग के फिर भगवान का भजन करते हैं। और चित्रकेतु महाराज जी, उनका इस प्रकार का भजन था कि उनमें ऐसी शक्ति थी कि वो शिव जी के लोक तक भी जा सकते थे। एक दिन चित्रकेतु महाराज जी पहुंच गए शिवलोक में। अब वो क्या करते हैं, पूरा जगत विचरण करते हैं। विचरण करते हुए जब शिवलोक में पहुंच गए तो शिव जी और चित्रकेतु महाराज आपस में दोनों गुरु भाई जैसा संबंध है, दोनों में आपस में सख्य जैसा संबंध है। शिव जी जब भागवत कथा करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठ के शिव जी से भागवत कथा सुनते हैं, और उस समय शिव जी पार्वती जी को कहां पे बिठाते हैं, अपनी जांघों में। तो शिव जी के जांघों में पार्वती सारे ऋषि मुनियों के सामने बैठी हुई है और शिव जी क्या कर रहे हैं, आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। अब ये देखने में कैसा लगता है, देखने में तो बड़ा अजीब लगता है कि शिव जी जैसे जो महायोगी है वो पार्वती जी को अपनी जांघों में बिठा के भगवान की कथा का आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और ऋषि मुनि सुन रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज जी ने क्या किया, शिव जी से थोड़ा उपहास कर दिया। जब उनके साथ थोड़ा उपहास कर दिया तो पार्वती जी इसको सहन नहीं कर पाई। पार्वती जी ने चित्रकेतु महाराज जी को श्राप दे दिया कि तुम क्या शिव जी की महिमा को नहीं जानते, ये कौन है, शिव जी जो है वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान के भक्तों में जो सबसे पहले अग्रगण्य है वो कौन है, वो है शिव जी, निम्ना नाम यथा गंगा, जैसे सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, पुराण नाम इदम तथा, सारे पुराणों में महापुराण श्रीमद भागवतम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सारे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, शिव जी, इसलिए शिव जी को बोलते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु। तो वहां पे उनको श्राप दिया कि जाओ तुम शिव जी की महिमा को नहीं जानते, और इस प्रकार से भरी सभा में ऋषि मुनियों के सामने इनका उपहास उड़ाते हो, जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ। तो यही चित्रकेतु महाराज जो थे फिर ये एक असुर बने जिनका नाम हुआ वृतासुर। क्या नाम हुआ, वृतासुर। अब देखो यहाँ पे एक भगवान की भक्ति का बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है। हमने कल जड़ भरत जी का उदाहरण सुना था ना, जड़ भरत जब हिरण की योनि में चले गए थे उसके बाद उनको दोबारा जड़ भरत की योनि में गए तो क्या वो भगवान की भक्ति को भूल गई, उनको स्मरण था, उनको स्मरण था। उसी प्रकार से ये चित्रकेतु महाराज जी असुर योनि में बन आ गए वृतासुर, लेकिन तब भी इनकी जो भक्ति थी इनकी भक्ति बन गई। तो ये भगवान के साथ प्रेम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है इसको अच्छी तरह समझना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना ए अभिक्रम नाश्यो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्व अल्पमपि अस्ते धर्मस्य प्रायते महतो भयात्, कि अर्जुन अगर कोई मेरी भक्ति करता है, कैसी भक्ति करता है, प्रहलाद महाराज जैसी, ध्रुव महाराज जैसी, कह रहे नहीं नहीं अगर कोई मेरी थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है, अल्प भी नहीं सु अल्प, अल्प से भी कम स्व अल्प, वो क्या करता है, इस संसार का जो सबसे बड़ा भय है, क्या है संसार का सबसे बड़ा भय, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार का सबसे बड़ा भय है कि 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। वो इस भय को पार कर जाता है। कैसे पार कर जाता है, अगर किसी ने भगवान कृष्ण का भक्ति करके उनके साथ संबंध स्थापित किया, उसने इस जन्म में केवल भगवान का 5% भक्ति करा,
तो भगवान उसको एक स्पेशल कंसिडरेशन देते हैं कि अगला जन्म उसको मनुष्य का मिलेगा, और जहां पे उसने भक्ति खत्म करी, कहां पे खत्म करी, 5% पे, उसकी भक्ति अब कहां से शुरू होगी, 5% से ही शुरू होगा। दूसरे जन्म में उसने भक्ति करके 80% तक चला गया, बहुत बड़ा भक्ति किया, बहुत बड़ा भक्त बना। अब उसका जो तीसरा जन्म होगा, भक्ति पर कहां से शुरू होगी, 80 से ही शुरू होगी, उसको दोबारा शून्य पे नहीं आना पड़ेगा। तो अध्यात्म जीवन में क्या है, अध्यात्म जीवन में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, भौतिक जीवन में ऐसा नहीं होता। भौतिक जीवन में अगर आप IAS IPS कोई बड़े ऑफिसर बन भी गए, और बनने के बाद अगले जन्म में आप बोलो नहीं नहीं पूर्व जन्म में तो मैंने IAS का एग्जाम क्लियर करा था, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और अगर कोई मान लीजिए किसी ने IIT का एग्जाम क्लियर कर लिया, वो IIT में एडमिशन लेने ही वाला था, मृत्यु हो गई, अब अगला जन्म वो बोले मैंने तो पूर्व जन्म में क्लियर किया था ना एग्जाम, दे दो एडमिशन, मिलेगा नहीं, मृत्यु आते ही सब कुछ जीरो हो जाता है। लेकिन भक्ति में जो भी आपने भक्ति कर लिया वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, अगले जन्म में वहीं से ही आपका भक्ति का प्रारंभ होता है। और तो आपने गजेंद्र का सुना होगा, हाथी था लेकिन पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था, हाथी की योनि प्राप्त होने पर भी उसका भक्ति बना रहा। तो ये भगवान की भक्ति का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है, कि जहां पे आप भक्ति खत्म करोगे वहीं से ही शुरू होगा। और अगर ये वाला श्लोक भगवान भगवद गीता में नहीं बोलते तो आज पूरे विश्व में कहीं भी कोई कृष्ण भक्त देखने को ही ना मिलता। क्यों, 100% ही करना पड़ेगा, इसी जन्म में करना है तो करो, नहीं तो अगले जन्म में जीरो से करना पड़ेगा। तो हम तो इस जन्म में 100% नहीं कर सकते, सब सारे भक्त लोग पहले ही हाथ खड़ा कर देते। लेकिन भगवान ने सब भक्तों को एक उत्साह दे दिया कि क्यों डरते हो, तुम थोड़ा सा तो करो, प्रयास तो करो। तुमने अगर एक बारी प्रयास कर लिया उसके बाद मैं खड़ा हूं और मैं तुम्हारा 100% करा के ही छोड़ूंगा। तुम्हें कितना करना है, 1%, और बाकी 100% फिर मैं करा के ही छोड़ूंगा। एक बड़ा सुंदर फोटो एक भक्त ने बनाया था। एक भक्त ऐसा पूरा लेटा हुआ है और उसके हाथ पूरे ऊपर ऐसे बेहोश होके पूरा लेटा हुआ है, और भगवान उसके चरणों पे रस्सी बांध के उसको खींच के लेके जा रहे हैं, और वो कह रहा है कहां लेके जा रहे हो। तो भगवान कह रहे हैं तूने पूर्व जन्म में 1% भक्ति किया था ना, अब 100% तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, इसलिए देखो खींच खींच के लेके जा रहा हूं, जब तक 100% नहीं होगा अब मैं देखो छोड़ने वाला नहीं हूं। तो भक्ति का इतना बड़ा गुण है कि अगर कोई भगवान से थोड़ा सा भी संबंध युक्त होके भजन करना शुरू करता है तो भगवान उसको नहीं त्याग सकते। उसको अगले जन्म में बार बार उसको क्या करेंगे, साधु संग देंगे, बार बार उसके पीछे पढ़ पढ़ के उसको भक्ति पूरा करवा ही देंगे। मानो ये कि ऐसा कॉलेज है, आपको केवल एडमिशन ले लेना है, बस एडमिशन ले लो, इतना आपको करना पड़ेगा एंडेवर, उसके बाद यहाँ पे कोई फेल हो ही नहीं सकता। भगवान सबको क्या करेंगे, पास करके ही छोड़ेंगे। तो सोचो कितना बड़ा भगवान ने हम सबको एक इंश्योरेंस दे दिया कि हाँ तुम्हारे सारे भय से तुम्हें मैंने मुक्त कर दिया। कम से कम जो कृष्ण भक्त है उसको ये भय तो नहीं है कि अगले जन्म में कीट पशु पतंग बनना पड़ेगा, उसको कम से कम ये तो इंश्योरेंस मिल गया कि हाँ मैं भगवान का भजन करूंगा अगले जन्म में। तो वहां पे मृतासुर असुर योनि में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका हृदय में भगवान का भाव बना रहा। अब मृतासुर ने क्या किया, मृतासुर ने जितने भी देवता थे देवताओं को जाके परास्त कर दिया, देवताओं को परास्त करके इंद्र का जो पदवी है वो भी ले लिया। अब सारे देवी देवता भागते हैं कि हम क्या करें, देवी देवता भागते हुए पहुंचे भगवान की शरण में। भगवान ने बोला कि मृतासुर जो है उसको तुम लोग अभी परास्त नहीं कर सकते, तुम लोग उसको परास्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम जाइए दधीची मुनि के पास, दधीची मुनि अगर अपनी हड्डियां तुम्हें दे देंगे, उसकी हड्डी से एक तुम उसकी हड्डी से तुम एक वज्रपात बनाना, और उसी से ही इसका वध हो सकता है। तो सारे जो देवता थे पहुंचे दधीची मुनि के पास, और दधीची मुनि को जाके क्या बोलते हैं कि आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए, उससे हम अस्त्र बना के मृतासुर को मारेंगे। तो दधीची मुनि ने बोला देवताओं तुम कितने स्वार्थी हो, कितने स्वार्थी हो, इस जगत में क्या कोई व्यक्ति अपनी हड्डियां ऐसे किसी को दे देता है, तुम मेरे से क्या मांगने आए हो, मेरी हड्डियां मुझे दे दो, और तुम क्या करोगे उससे, अपना वापस सिंहासन लेना चाहते हो, तुम बहुत स्वार्थी लोग हो, और जो स्वार्थी होता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इस जगत में हम लोग सब स्वार्थी हैं, लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं, परमार्थी होते हैं, हमेशा भगवान के लिए सोचते हैं, और स्वार्थी अपने लिए सोचता है। मानो अगर आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लड़ाई हो जाए, आप किसका साथ दोगे, उत्तर भारत का दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत में आते ना हैदराबाद, दक्षिण भारत का ही दोगे,
और मानो अगर तेलंगाना और पास में नियरेस्ट स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश, इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसका साथ दोगे? तेलंगाना का। तेलंगाना में ही अगर हैदराबाद का और हैदराबाद के बाहर का लड़ाई हो जाए तो किसका साथ दोगे? हैदराबाद का। हैदराबाद में ही अगर इस कॉलोनी का और दूसरी कॉलोनी का लड़ाई हो जाए तो अपनी कॉलोनी का। अपनी कॉलोनी में ही इस गली का और पीछे वाली गली की लड़ाई हो जाए तो अपनी गली की। अपनी गली में ही छोड़ो, अगर सामने वाले मकान और इस मकान का लड़ाई हो जाए तो अपने मकान का। अपने मकान में ही जिस फ्लोर पे रहते हैं नीचे रूप लड़ाई हो जाए तो जिस फ्लोर में हम रहते हैं, और जिस फ्लोर में अगर पति पत्नी आपस में लड़ाई हो जाए तो मेरा। अल्टीमेटली सेंटर कौन है? सेंटर हूँ मैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो हम सब लोग जो भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में किसके बेस पे लेते हैं? अपने स्वार्थ, कि मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तो वहां पे देवता लोग हैं, अपने स्वार्थ की अभिलाषा से उनके पास जाते हैं और स्वार्थ की अभिलाषा से बोलते हैं कि मुझे आपका हड्डी चाहिए। तो वहां पे दधीचि मुनि जो होते हैं वहां पे बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि जो शरीर है, ये शरीर किस, ये शरीर का अंत क्या है? इस शरीर का तीन अंत है, क्या? कृमि, विड, भस्म, संज्ञा। इस शरीर को कृमि, इस शरीर को या तो कीड़े खा जाते हैं, जहां पे दफनाया जाता है अंदर कीड़े होते हैं मिट्टी के, वो खा जाते हैं कीड़े को। कृमि, विड, भस्म, संज्ञा। विड भस्म किसे बोलते हैं? कई जगहों पे क्या होता है, शरीर को जलाया जाता है, कई जगहों पर शरीर को दफनाया जाता है, और कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो शरीर को क्या करती है, जंगल में जाके छोड़ देती हैं। और जंगल में जब जाके छोड़ देती हैं तो वहां पे जितने भी पशु पक्षी हैं वो शरीर को नोच नोच के खा जाते हैं। और इस शरीर को नोच नोच के खाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, पशु पक्षी, मल त्याग कर देते हैं। तो ये शरीर क्या होगा, या तो अग्नि में जाके राख बन जाएगा, या तो मिट्टी में जाके कीड़े इसको खा जाएंगे, नहीं तो पशु पक्षी खा के इसको मल के रूप में त्याग देंगे। तो यही तो तीन संज्ञा है शरीर की। चाहे कोई बड़े से बड़ा आईएएस ऑफिसर हो, कोई मिनिस्टर हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबके शरीर का गति क्या है, ये ही अंतिम गति है। कोई देखने में बहुत सुंदर और एक देखने में कुरूप, दोनों का जब अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करने के बाद एक मटके में जो बहुत सुंदर था उसका भस्म पड़ा है, और एक में जो देखने में कुरूप था उसका भस्म पड़ा है। सुन के पता चलेगा क्या कि ये तो बहुत सुंदर था और ये कुरूप था, ये बहुत अमीर था, ये गरीब था? नहीं, सबका शरीर क्या है, वही पंच तत्व का ही बना है। तो ये शरीर का तो अंतिम गति इस प्रकार का होना ही है। उससे अच्छा कि मैं इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा दूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना ही शरीर की सार्थकता है। तो वहां पे क्या करते हैं दधीचि मुनि, क्योंकि भगवान विष्णु ने आदेश दिया था कि तुम इनकी हड्डियों से ब्रजपात बनाना है, तो वो भगवान विष्णु के आदेश को मान के अपना जो शरीर है, अपना जो शरीर है वो क्या करते हैं, जो दही का जो लेप होता है पूरे शरीर पे, ऐसे दही का लेप लगा के गाय को बोलते हैं चाटना शुरू करो। जैसी गाय चाटती है तो उनका पूरा मांस पास चाट लेती है, उनकी हड्डियां रह जाती है, और वो भगवान के चरणों में स्थित होके अपनी आत्मा भगवान के चरणों में स्थित करके भगवत धाम को चले जाते हैं। अब उनकी हड्डी से बनाया गया, जो इंद्र ने वज्रपात बनाया, अब होता है युद्ध। अब जब युद्ध होता है देवताओं में और दानवों में, अब यहाँ पे बड़ा सुंदर युद्ध का प्रसंग है। सारे देवता मिलके वृत्तासुर से युद्ध कर रहे हैं, और वृत्तासुर देखने में कैसा है, बहुत विशाल उसकी काया है, बड़े बड़े देवताओं को तो ऐसे ही निगल जाता है। अब जब वहां पे युद्ध हुआ तो युद्ध में इंद्र को भी भय लग रहा है कि ऐसा तो नहीं, भगवान विष्णु ने मुझे बोला था इस दधीचि मुनि का जो हड्डी से जो अस्त्र बना है अस्थियों से, इससे इसको मैं परास्त कर सकता हूँ। तो वहां पे उसको भगवान के शब्द पे भी संदेह हो गया, इतने बड़े असुर को मैं कैसे परास्त कर सकता हूँ। तो जैसे ही उसने वो वज्रपात जो उसने बनाया था, और जैसे ही उसने छोड़ा वृत्तासुर के ऊपर, तो वृत्तासुर ने तो खेल ही खेल में उसको भी पकड़ दिया और वापस इंद्र के ऊपर छोड़ दिया। अब इंद्र सोच में पड़ गया कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे इसको परास्त कर पाऊंगा। तो वहां पे जितने भी दानव थे, जब जितने भी दानव थे देखा कि अब जो देवता है, देवता इस प्रकार से अस्त्र छोड़ रहे हैं और हम दानव मरते जा रहे हैं, तो वृत्तासुर को सारे दानव छोड़ के भागने लगे। वृत्तासुर तब भी अकेले टिका रहा, और उसने दानवों को बोला कि या तो तुम भगवान की भक्ति कर लो, वो दानव तुम तो कर नहीं सकते, भगवान की भक्ति तो तुम्हारे बस की है नहीं, कम से कम युद्ध में ही मर के एक परम गति को प्राप्त कर लोगे, वो भी तुम अपने हाथ से क्या कर रहे हो, उस अवसर को भी तुमने अपने हाथ से गवा दिया। वृत्तासुर अकेले लड़ते लड़ते अब उसको समझ गया कि भगवान ने जो अस्त्र बनवाया है उससे तो मेरी मृत्यु होगी। तो वहां पे वृत्तासुर ने वहीं बिल्कुल युद्ध के मैदान में लड़ते हुए भगवान की चार स्तुति गान करी है, चार श्लोक बोले हैं, और उस चार श्लोक से ही उसने भगवान के मन को जीत लिया, उन चार श्लोक से।
और वहीं पे उन चार श्लोक से उसने भगवान के मन को जीत लिया और युद्ध करते करते ही उसने अपने मन को भगवान के चरणों में स्थित कर दिया। तो देखो भगवान की भक्ति कितनी सरल है, युद्ध करते हुए भी, उस युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी कभी किसी ने भगवान को प्राप्त किया हो, उसका जो उदाहरण है वो केवल वृत्तासुर है कि युद्ध के मैदान में भी उन्होंने भगवान के परम पद को प्राप्त किया और कौन सी योनि में है, असुर योनि में है। तो वहां पे उन्होंने जो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गान करी उसको हम श्रवण करते हैं और साथ में ही इंद्र को बोलते हैं, अरे इंद्र तू डरता क्यों है, देखो भगवान विष्णु ने आदेश दिया है, उस जिस जो तूने वज्रपात बनाया है उसको तू छोड़, और उसको छोड़ने से ही क्या होगा, उसको छोड़ने से मेरी तो मृत्यु होगी, मैं परम धाम को प्राप्त करूंगा। तो वहां पे वो बड़ा सुंदर भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ना नाक पृष्ठम ना च पारमेष्टयम ना सार्वभौमम नरसाधिपतयम स्मंजस तव विरहे कांक्षे। क्या कह रहे हैं, ना नाक पृष्ठम ना च पारमेष्टयम, हे भगवान मुझे कोई स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मैं ये युद्ध स्वर्गलोक के लिए नहीं कर रहा, भगवान मुझे कोई स्वर्गलोक की अभिलाषा नहीं है, अब अंतिम समय आ चुका है, तो क्या तुम्हें नीचे के लोग चाहिए, हे प्रभु मुझे नीचे के लोग भी नहीं चाहिए, ना सार्वभौमम मुझे इस पूरे पृथ्वी पे भी राज्य नहीं करना, ना रस आदि पतयम मुझे नीचे के रस तल आदि लोग भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए ये तो बोलो, प्रभु मुझे क्या चाहिए, समंजस्य तब विरह कांक्षे, मुझे आपका विरह रूपी संपत्ति चाहिए। भक्तों की संपत्ति क्या होती है जानते हो, भक्तों की संपत्ति होती है भगवान से विरह रूपी संपत्ति, यही भक्तों की संपत्ति है। विरह, विरह किसे कहते हैं, विरह बोलते हैं कृष्ण को, विरह का एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए एक पति पत्नी है, पति का ट्रांसफर हो गया यहां से दिल्ली, अब पति चला गया दिल्ली, अब पत्नी को दिन रात क्या होता है अपने पति से सेपरेशन होता है, ये जो सेपरेशन होता है, ये जो मूड ऑफ सेपरेशन है, इसको बोलते हैं विरह। अब वो दिन रात अपने पति का चिंतन करती है और क्रंदन करती है कि हाँ मेरे पति मुझे कब मिलेंगे, कब वो वापस आएंगे, कब मैं उनकी सेवा करूंगी, कब मैं उनको पुनः देख पाऊंगी, इसको बोलते हैं विरह। तो कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे विरह चाहिए। जो भक्त होते हैं उनको भगवान से क्या होता है, भक्तों को भगवान से विरह होता है, वो भगवान का नाम लेते हैं, जब भगवान के दर्शन करते हैं वो रोना शुरू करते हैं क्योंकि उनको भगवान से विरह है। जैसे एक उदाहरण समझो, एक माता उसका पुत्र पढ़ने के लिए विदेश चला गया, अब 5 साल हो गए अभी तक लौटा नहीं है, दिवाली का समय आया, वो घर में सफाई कर रही है, घर में सफाई करते करते उसके सामने अपने बच्चे का जो स्कूल का यूनिफॉर्म था वो सामने निकल के आ गया। अब जैसे ही उसके हाथ में बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म आई, 5 साल हो गए बच्चे को विदेश गए हुए पढ़ाई करने, वापस आया नहीं, कॉलेज करने गया था, अब जैसी वो स्कूल की यूनिफॉर्म आई, माँ क्या करेगी बताओ, उसको क्या होगा, वहां पे विरह होगा अपने पुत्र से, और क्या करना शुरू करेगी, उस यूनिफॉर्म को देख के वो रोना शुरू करेगी। अब वो उस यूनिफॉर्म को देख के रो रही है, इसको कोई और समझ पाएगा, अरे पता नहीं कैसी पगली है, कोई कपड़े को देख के रोता है क्या, लेकिन उस कपड़े को देख के रो रही है, उसको किसका स्मरण हो रहा है, अपने पुत्र का, इसको बोलते हैं विरह रूपी संपत्ति। तो भक्तों की संपत्ति क्या है, कृष्ण से विरह। इसलिए जैसे ही भक्त कृष्ण का चित्र देखता है, कृष्ण का नाम सुनता है, भागवत को सुनता है, उसको भगवान से क्या होता है, विरह होता है। हमें नहीं होता, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको विरह होता है। जो जितना भगवान का उच्च कोटि का भक्त होगा उसको विरह कैसा होगा, उसका उतना उच्च कोटि का विरह होगा। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले गए, ब्रजवासियों ने कभी रसोई ही नहीं बनाई, यशोदा मैया इतना रोती थी कि रोते रोते वहां पे एक और यमुना नदी निकल गई पूरा सारे ब्रजवासियों के रोने से। अगर आप ब्रज में जाओगे, ब्रज में आप जाके देखोगे वहां पे कितने सारे ऐसे सरोवर हैं जो केवल आंसुओं से बन गए। राधा जी कृष्ण से मान करके एक स्थान पे बैठी रोने के लिए, तो वहां पे बन गया मान सरोवर, किससे बना, राधा जी के आंसुओं से सरोवर बन गया। तो इसको बोलते हैं विरह रूपी संपत्ति। तो कह रहे हैं कि प्रभु मुझे क्या चाहिए आपसे, कौन सी संपत्ति चाहिए, विरह रूपी संपत्ति, ये सबसे बड़ी संपत्ति। कृष्ण को स्मरण करके रोने में जो आनंद है, वैसा आनंद स्त्री जगत में कहीं नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रार्थना करी है, नयनम गलत अश्रुधारया वदनम गदगद हृदये गिरा पुलकेर निचितम कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कि हे प्रभु कब ऐसा होगा कि मेरे नयनों से आंसुओं की जो तार है वो कभी टूटेगी नहीं, आंसू गिरते रहेंगे, आपका नाम लेने से क्या होगा, मेरा हृदय जो है वो गदगद होके भर जाएगा,
मेरे शरीर में सारे पुलक उठ जाएंगे। यही हमारे गुरुवर प्रार्थना करते हैं, हरी हरी कबे मोरा हई बे सुदीना भजी बो श्री राधा कृष्णा हरिया प्रेम अधीना, कि मैं ऐसे प्रेम में विभावित होके कब कृष्ण तेरा नाम गान करूंगा। तो वहां पे उनकी फिर दूसरी प्रार्थना में वो क्या बोलते हैं, दूसरी प्रार्थना में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा मन आपके चरणों में कैसे लगे, मेरा मन आपके चरणों में किस प्रकार से लगना चाहिए। जात पक्ष इव मात्रम खगा स्तन्यम यथा वस्त्र शुधारता प्रियम प्रियम विषितम विषन्ना मनो अरविंदाश दिदृक्षते त्वाम, कि हे प्रभु मेरा मन आपके चरणों में कैसा लग जाए। अजात पक्ष मात्रम खगा, अभी एक छोटा सा पक्षी उसने जन्म लिया है, उसके पर भी नहीं निकले, वो कहां पे बैठा है, बिल्कुल उस घोंसले में बैठा है जहां पे कोई भी बाहर का व्यक्ति आके उसको मार के खा भी सकता है। अब वो जो छोटा सा पक्षी है पेड़ के ऊपर घोंसले में बैठा है जिसके पंख भी नहीं है, वो क्या करता है, अजात पक्ष मात्रम खगा, वो अपनी माँ का इंतजार करता है कि मेरी माँ जब सुबह गई है कब वो वापस आएगी। उसके जो नेत्र है बिल्कुल आसमान में टिके रहते हैं, चारों तरफ घुमाता रहता है, अरे कहीं वहां से तो मेरी माँ नहीं आ रही, यहाँ से तो नहीं आ रही, वहां से तो नहीं आ रही। और जैसे ही उसकी माँ उसके पास आती है घोंसले में, तो बच्चे को कैसा मिलता है, एक बहुत आनंद मिलता है बच्चे को, वहां पे अपनी माँ से क्या हो रहा है, एक विरह हो रहा है। तो कह रहे हैं प्रभु मेरा मन जैसे उस बच्चे का मन लगा हुआ है किसमें, अपनी माँ में, वैसे ही मेरा मन प्रभु तेरे चरणों में लग जाए। फिर कहते हैं नहीं नहीं, इसमें आनंद नहीं है। क्यों, उसमें आनंद इसलिए नहीं है कि बच्चा अपनी माँ से सेवा ले रहा है, माँ की सेवा कर तो नहीं रहा ना, तो प्रभु मुझे ऐसा मन नहीं लगाना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्या, अजात पक्ष मात्रम खगा स्तन्यम यथा वस्त्र शुधारता, कि प्रभु मेरा मन तो आपके चरणों में ऐसे लग जाए जैसे एक छोटा सा गाय का बछड़ा होता है। बछड़ा क्या करता है, बछड़ा भी अपने माँ की राह देखता है, और जैसे ही उसके सामने उसकी माँ आती है, देखा है बछड़ा क्या करता है, कभी देखा, बछड़ा बहुत कूदना शुरू कर देता है, कूदकता हुआ अपनी माता के पास जाता है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, और जाते ही क्या करता है, माँ के स्तन से दूध पीना शुरू करता है। अब जो वहां पे पक्षी का उदाहरण दिया, पक्षी क्या कर रहा है, अपने बच्चे के मुंह में अपनी चोंच से चोंच मिला के क्या डाल रहा है, दाना डाल रहा है। तो वहां पे दाना तो भी जाती वस्तु हो गई ना, लेकिन यहाँ पे बछड़ा क्या कर रहा है, स्तन से मुंह लगा के दूध पान कर रहा है। तो दाने से श्रेष्ठ क्या है, दूध है, क्योंकि दूध क्या है, वात्सल्य का प्रतीक है। जब तक गाय के सामने उसका बछड़ा नहीं होगा दूध नहीं आएगा, तो दूध क्या है, वात्सल्य का जो लिक्विड फॉर्म है वही दूध है। तो वहां पे इसका प्रेम उससे ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पे भी क्या नहीं है, सेवा नहीं है, बछड़ा सेवा तो नहीं कर पा रहा। फिर कहते हैं प्रभु मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर आगे तीसरा बोलते हैं, प्रभु मेरा मन आपके चरणों में कैसा लग जाए, प्रियम प्रियवे विषितम विषन्ना, जैसे एक प्रिया और प्रियतम का संबंध होता है। कैसा संबंध है, जो प्रिया है वो इंतजार करती है कि कब मेरा प्रियतम आएगा, मेरा पति जो है दूर देश में चला गया है कब वो वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तो मैं क्या करूंगी, उसकी सेवा करूंगी। कैसी सेवा करूंगी, उसके लिए अच्छा भोजन पकवान बनाऊंगी, उसके चरणों को दबाऊंगी, उसकी सेवा करूंगी। तो वहां पे सेवा का भाव है। तो प्रभु मेरा मन भी आपके चरणों में कैसे लग जाए, जैसे इस जगत में दो प्रेम करने वाले होते हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से भगवान मेरा मन तेरे चरणों में इस प्रकार से लग जाए। उसके बाद उन्होंने दो प्रार्थनाएं और करी है, वो हम छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर दो प्रार्थनाएं और सुन के फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां वृत्तासुर प्रार्थना करते हैं, हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से जैसे एक पक्षी का मन अपनी माता में लगा है, बछड़े का गैया में लगा है, प्रिय प्रियतम का लगा है, मेरा भी कृष्ण तेरे चरणों में लग जाए। लेकिन मन कृष्ण में लगेगा कैसे, मन लगना तो इतना आसान नहीं है। भगवान ने जब गीता में अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम अपना मन मुझे दे दो, तो अर्जुन ने ही साथ साथ क्या बोल दिया है, चंचलामि मना कृष्णा परमाथि बलवत दृढ़, कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, वायु को भी हम लोग वश में नहीं कर सकते, लेकिन वो कौन है, अर्जुन है, सारे अस्त्रों को जानते हैं। कह रहे मैं वायु को भी वश में कर सकता हूँ, यहाँ तक कि उनके पास तो ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने यम तक को भी रोक दिया कि यम भी प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे अपने धनुष बाण से इस प्रकार का ऐसा चक्र भी रख सकते हैं, लेकिन मन को मैं भी अपने वश में नहीं कर सकता। तो मन को भगवान के चरणों में दे कैसे, प्रश्न तो ये है। तो मन को देने का बहुत ही सरल तरीका है कि किस प्रकार से हम अपना मन भगवान के चरणों में दे सकते हैं, क्या तरीका है, और यही एकमात्र उपाय है।
मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, जिसमें वृद्धस्व प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यम, कि प्रभु मेरे को बहुत सारे सखा दे दो। कैसे सखा दे दो? उत्तम श्लोक जनेशु, जो उत्तम श्लोक इसका नाम है भगवान विष्णु को बोलते हैं उत्तम श्लोक, कि हे प्रभु जो आपके जन है, जो आपके भक्त है, आपके भक्त अगर मेरे सखा के रूप में आ जाए, यानी कि आपके भक्तों के संग में मेरा संग हो जाए, त्वन माया आत्मजाधार गृहस्य आसक्ति तदस्य नानात भूयात, कि प्रभु फिर मेरे को आपकी माया का भी कोई डर नहीं है, आपकी माया को मैं आराम से पार कर जाऊंगा अगर मुझे क्या मिल जाए, आपके भक्तों का संग मिल जाए। ये वृत्तासुर की अंतिम प्रार्थना है। जब इस जगत से जाएंगे भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान से भगवान नहीं मांग रहे, भगवान से ही भगवान के भक्तों का संग मांग रहे हैं। जैसा कि कल हमने श्रवण किया था, ध्रुव महाराज जी के सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं, तब भी क्या कह रहे हैं? प्रभु आपके भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों का जो संग होता है वो ही हमारे लिए इस जगत में श्रेय वस्तु है। भगवान के भक्त ही हमें क्या करते हैं? हमारा सम्मत ज्ञान उदय कराते हैं, हमें कोना कोना भगवान की हरि कथा सुना सुना के हमारे मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं, जिसमें हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया या छेनु आमी, तब ने जन कौन महाजने पठाइया दिले तुमी, कि प्रभु मैं तो दुर्मति था, आपको भूल चुका था, इस संसार में ही अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा था, लेकिन आपने कृपा करके क्या किया, आपने एक निज जन को मेरे जीवन में भेज दिया, जिसने मुझे क्या किया, फिर आपकी ओर उन्मुख कर दिया। तो भगवान की ओर जाने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान के भक्तों का संग, और ये ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ी और भगवान की कोई कृपा नहीं है। जब भगवान देखते हैं कि मैंने किसी पे कृपा करनी है और उसको कृपा करके अपने धाम की ओर लेके आना है, तो उसको क्या करते हैं? अच्युत सत समागमा, उसको अपने भक्तों के संग में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से वृत्तासुर प्रार्थना करते हुए 4 श्लोकों में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, और उस रणभूमि पे ही भगवान के परम पद को वृत्तासुर ने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से भागवतम में वृत्तासुर का बड़ा ही सुंदर उपाख्यान है कि कैसे भगवान जो है बहुत, भगवान क्या है? स्तुति प्रिय है। भगवान की अगर कोई प्रेम से स्तुति गान करता है तो भगवान उसके ऊपर रीझ जाते हैं। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि भगवान को प्रसन्न करना सबसे सरल, और इस जगत में किसी व्यक्ति को सरल प्रसन्न करना कठिन नहीं, नामुमकिन, कर ही नहीं सकते। पूरा जीवन भी किसी के लिए दे दो, फिर वो अंत में क्या कहता है? आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो भगवान, इस जगत के लोग क्या देखते हैं? कि आपने मेरे लिए क्या नहीं किया, और भगवान देखते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। राम जी की लीला में आता है, एक छोटी सी गिलहरी, उसके मन में इच्छा आया मैं भी प्रभु की सेवा करूं। जब सारे वानर राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी चट्टान उठा के राम सेतु बांध रहे हैं, मैं भी भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन छोटी सी गिलहरी बेचारी सेवा करे तो करे क्या, वो तो पहाड़ के चट्टान नहीं उठा सकती। उसे देखा जब इतनी सारी चट्टाने हैं, चट्टानों के बीच में जो हल्का सा गैप है, जब मेरे प्रभु उसके ऊपर चलेंगे तो अगर वो पूरा फर्टाइल हो जाए, जैसे होता है ना कि जब रोड़ी बिछाई जाती है उसके बाद सीमेंट डाल के उसको पूरा लेवल किया जाता है, तो उसे सोचा मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में जो पहाड़ की जो चट्टाने हैं, जो पत्थर के गैप है, उसमें जाके बालू भरती हूँ। अब बालू भरेगी तो भरे कैसे, 4 पैर से ही चलती है, बालू उठाए तो उठाए कैसे। क्या करा, पानी में जाती है, पानी में जाके पूरा अपने शरीर को भिगा लिया, वापस आई और बालू पे पूरा लोटपोट हो गई। अब शरीर में क्या चिपक गया? बालू चिपक गई। अब उस पत्थरों के बीच का जो गैप है, उधर जाके अपने शरीर को ऐसे शिवरिंग करते हुए हिलाती है, वहां पे बालू झाड़ती है, फिर बार बार पानी में जाती है और लोटपोट होती है, पानी में आके फिर भूमि पे लोटपोट होकर बालू लगा के फिर उस स्थान पे जाती है। वो गिलहरी छोड़ो, अगर भारत की सारी गिलहरी भी मिल जाए तो क्या राम सेतु पे भर सकती है क्या बालू? नहीं भर सकती। लेकिन प्रभु श्री राम ने उसकी सेवा वृत्ति को देखा कि इसकी कितनी सुंदर सेवा की वृत्ति है, और प्रभु कहते हैं अल्प सेवा बहु करिमानी, ये आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, अल्प सेवा बहु करिमानी, इसका अर्थ है अल्प सेवा को बहुत बड़ा मान लेते हैं, बहु मतलब होता है विशाल। भगवान कहते हैं कोई उनके लिए छोटी सी भी सेवा करे तो उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, और इस जगत में क्या है? बहु सेवा अल्प करिमानी, अल्प ही क्या, शून्य करिमानी, मानते ही नहीं है कि कुछ किया भी है।
तो वहां पे राम जी ने क्या किया, उस गिलहरी को उठा के अपने हाथ में रखा और तीन उंगली से उसको ऐसे प्रेम करने लगे। इसलिए आप देखना भारत की जितनी भी गिलहरी है उनके ऊपर फिंगरप्रिंट्स है भगवान श्री राम के, तीन चिन्ह है। तो वहां पे बताया कि भगवान कैसे हैं, छोटी सी सेवा से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत अनायास है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास ही नहीं करते हैं, प्रयास की ही तो कमी है। भगवत गीता में भगवान क्या मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। देखो कोई भी चीज महंगी नहीं मांगी, पत्रम तुलसी का पत्ता खरीदना पड़ता है क्या, फ्री में मिलता है। पुष्पम गेंदे का फूल दे दो, कितने का आता है, फ्री में मिल जाता है। मार्केट में जाओ दुनिया भर के फूल उग रहे होते, कोई भी फूल तोड़ के दे दो। पत्रम पुष्पम फलम, फल दे दो। अच्छा अगर महंगा फल नहीं दे सकते तो जंगली फल दे दो, जंगली फल कौन सा होता है, बेर, बेर जंगली फल में आता है, वो ही दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब होता है जल। क्वांटिटी नहीं मांग रहे, एक तुलसी का पत्ता दे दो, एक फूल ही दे दो, एक फल ही दे दो, थोड़ा सा जल ही दे दो, उससे भी भगवान क्या करते हैं उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। इस जगत में कल मुझे एक भक्त बता रहे थे कि एक आपके हैदराबाद के ही एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी वाइफ को बर्थडे पे सरप्राइज देने के लिए विदेश में लेके गया। जब विदेश में लेके गया तो वहां पे उसका पूरा अच्छी तरह बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब रात को पति पत्नी का लड़ाई हो गया, लड़ाई क्यों हो गया कि तुमने मुझे बर्थडे में कोई अच्छा गिफ्ट क्यों नहीं दिया। अब वो विदेश लेके गया, उसने वहां पे इतना अच्छा होटल बुक कराया, रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, रात को लड़ाई हो गया कि मुझे क्या नहीं दिया, मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया। तो ये जगत कैसा है, भगवान कह रहे हैं मैं एक पत्ते से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। मानो अगर वो अपनी पत्नी को बोलता कि अच्छा गिफ्ट देना है, मार्केट से एक केला लेके आ जाता, ये लो जी हैप्पी एनिवर्सरी, तो वो क्या करती, उसी दिन डाइवोर्स कर देती। तो इस जगत में जो संबंध है वो किससे आधारित होते हैं, वस्तु से। लेकिन भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। कह रहे प्रेम से अगर कोई मुझे एक तुलसी का पत्ता भी देता है, एक फूल भी देता है, एक फूल से भी हम क्या कर सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं। इस जगत में ऐसा कौन है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण बहुत दयामय है, बहुत दयामय, केवल प्रेम चाहते हैं, केवल प्रेम। और अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं उसमें क्या भगवान का कोई स्वार्थ है, हमारे पास है ही क्या जो हम उनको देंगे, स्वार्थ किसका है, स्वार्थ तो हमारा ही है। तब भी हम लोग उनसे प्रेम नहीं करते, सोचो कैसी हमारी दुर्मति है कि सारा स्वार्थ हमारा ही है, वहां से हमें सब कुछ मिल ही रहा है, हम क्या दे सकते हैं। लेकिन तब भी भगवान कैसे हैं, हमारे परम माता परम पिता हैं, वो बड़े आनंदित होते हैं अगर कोई उनके साथ संबंध अपना युक्त करता है। तो इसलिए वहां पे वृत्तासुर ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, उसी रणभूमि पे केवल चार श्लोक गा के भगवान की उन्होंने प्रसन्नता कर ली। फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं भागवतम में, फिर आगे बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप का, जिसको बोलते हैं वामन भगवान। आपने सुना होगा वामन भगवान का, तो अभी हम वामन भगवान का प्रकट्य करके फिर हम चलेंगे कृष्ण जन्म की ओर। जब सारे दानवों ने, असुरों ने, सारे असुरों ने मिलके देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक पे अपना अधिकार जमा लिया, तो उस समय जो इंद्र है वो जाते हैं अपने गुरु जी के पास, बृहस्पति जी के पास। बृहस्पति जी ने बोला कि अभी तो कुछ भी उपाय नहीं है, असुर जो है बहुत बलवान हो चुके हैं, क्योंकि उस समय असुरों ने एक यज्ञ किया था, विश्वजीत यज्ञ, और ब्राह्मणों की बहुत सेवा करी थी। प्रहलाद महाराज जी का नाम सुना होगा आपने, प्रहलाद महाराज जी के पुत्र कौन हुए, कौन बता सकता है, विलोचन, विलोचन के पुत्र राजा बलि। तो राजा बलि, तो राजा बलि जो थे है असुर, लेकिन प्रहलाद महाराज जी के कुल में है। तो जो राजा बलि है, राजा बलि ने स्वर्ग के सारे देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली और सारे देवता इधर उधर भाग गए। तो जो देवताओं की माता है अदिति, वो बड़ी दुखी हो रही है कि हाय मेरे पुत्र कोई कहां जाके छिपा हुआ है, अब मुझे अपना राज्य कैसे मिलेगा, मैं अपने पुत्रों को वापस कैसे देख सकती हूँ। तो उन्होंने कश्यप ऋषि को बोला कि आप मेरे को मेरा राज्य वापस दिलवाइए, हमारे पुत्र है उनको स्वर्ग लोक वापस दिलवाइए। कश्यप ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान वसुदेव की शरण में जाओ। भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए एक बड़ा सुंदर व्रत है भागवत में, जिसका वर्णन है पयोव्रत, उस पयोव्रत के बारे में बताया। 12 दिन केवल अदिति, जो कि सारी अदिति कौन है, जितने भी देवता है उनकी माता है, उसने 12 दिन उस व्रत को रखा और 12 दिन में ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उसको बोला वर मांगो। उसने बोला कि प्रभु जो मेरा
मेरे जितने भी पुत्र हैं वो सब इधर उधर भाग चुके हैं, स्वर्ग लोग जो है राजा बलि ले चुके हैं, मुझे मेरे पुत्रों को वापस स्वर्ग लोग का दिलवा दीजिए। तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, और तुम्हारे पुत्र के रूप में आने के बाद क्या करूंगा, तुम्हारे जो पुत्र है बाकी पुत्रों को स्वर्ग लोग वापस दिलवाऊंगा। तो अदिति के ही गर्भ से भगवान ने जन्म लिया और उनका नाम हुआ भगवान वामन। तो ये वामन इंद्र के क्या लगे, भाई लगे, इंद्र के भाई लगते हैं। तो वहां पे जब वामन भगवान का जन्म हुआ, वामन भगवान ने जब जन्म ग्रहण किया तो कैसा है, बावन, बावन यानी कि उनके जो कद है वो कैसा है, बोना कद है, बोना होता है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बोने के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। और इतना दिव्य उनका स्वरूप था, मानो ऐसे लग रहा है कि साक्षात सूर्य प्रकट हो गया हो। तो जितने भी देवी देवता है भगवान की वहां पे आके सबने स्तुति गान करी, किसी ने भगवान को कुश आसन लाके दिया तो किसी ने भगवान को कमंडल लाके दिया, किसी ने भगवान के हाथ में छाता दिया तो किसी ने भगवान को डंडा दिया, क्योंकि ब्राह्मण के हाथ में क्या होता है, छत्र होता है, कमंडल होता है। अब वामन भगवान, अब भगवान ने देखना इससे पहले जितने भी असुर हुए हैं सब असुरों के ऊपर शासन किया है, लेकिन यहाँ पे भगवान ने राजा बलि के ऊपर शासन नहीं किया। राजा बलि के पास वामन एक ब्राह्मण के रूप में जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए, क्यों, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को एक वर दिया था कि हे प्रहलाद, तुम असुर कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन तुमने जो मेरी भक्ति करी है तुम मेरे को बहुत प्रिय हो। भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को बोला था कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ जितना मैं अपनी पत्नी से भी नहीं करता, लक्ष्मी से, और मैं तुम्हें आज एक वर देता हूँ कि तुम्हारे कुल में जितने भी तुम्हारी वंशज आएगी मैं किसी भी असुर को अब मारूंगा नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी के कुल में आगे जितने भी असुर हुए भगवान ने किसी को मारा नहीं। अब राजा बलि है, राजा बलि को चाहते तो मार के स्वर्ग लोग वापस ले सकते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज जी के साथ संबंध है इसलिए इसको मार नहीं सकता। तो देखो, भगवान के भक्त के साथ अगर किसी असुर का भी संबंध हो जाए, असुर का भी, तब भी भगवान क्या करते हैं, तब भी उसके ऊपर कृपा ही करते हैं, असुर के ऊपर भी, तो मनुष्य का तो कहना ही क्या। तो अब राजा बलि क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, वो जानते हैं कि अगर मैं ब्राह्मणों की सेवा करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, तो मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तभी ब्राह्मणों के बल से ही उन्होंने स्वर्णों को प्राप्त कर लिया। अब ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, सारे ब्राह्मण उनके पास दान लेने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान ने एक वामन रूप धारण किया और वो भी चल पड़े आज राजा बलि के यहाँ पे दान लेने के लिए। तो देखो, भगवान अपने भक्त के प्रेम में क्या क्या उनको नहीं करना पड़ता। प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने क्या बोला था, प्रहलाद महाराज जी को वचन दिए हैं, उस वचन को निभाने के लिए भगवान को क्या करना पड़ा, इंद्र का छोटा भाई बन के आना पड़ा। और आज क्या कर रहे हैं, जो पूरे जगत के दाता है, जगन्नाथ है, वो भी क्या कर रहे हैं, हाथ मांगने के लिए जा रहे हैं, मांगने के लिए जा रहे हैं। जो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी जिनकी सेवा करती है, वो ही प्रभु क्या कर रहे हैं, आज राजा बलि के पास जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो वहां पे ब्राह्मण का रूप धारण करके जब वो भिक्षा मांगने के लिए चल रहे हैं तो और भी बहुत सारे ब्राह्मण जा रहे हैं। सब ब्राह्मणों को जब पता चला कि वहां पे दान मिल रहा है, सारे ब्राह्मण जा रहे हैं। जब सारे ब्राह्मण जा रहे हैं और जब सब इस छोटे से बालक को देख रहे हैं, तो ब्राह्मण लोग तेज तेज की चलने लगे, कहीं ये हमसे पहले ना पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ये तो इतना दिव्य इसका स्वरूप है, इसको देख के तो राजा वैसे ही मोहित हो जाएगा। तो हम पहले तेजी तेज गति से चलते हैं, अब ये छोटे से बालक हैं तो तेज से चल नहीं सकते, और बाकी सारे लंबे लंबे चौड़े चौड़े ब्राह्मण सब तेज तेज की भाग रहे हैं। लेकिन ये छोटी हाइट के तो हैं, लेकिन है कौन, स्वयं भगवान। अभी क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मणों के बीच में जब ये जा रहे हैं तो बड़ी तीव्र गति से नीचे से ही ऐसे ऐसे करके सबको क्रॉस करके आगे पहुंच गए सबसे। जब सबसे आगे पहुंच गए तो वहां पे आगे एक नदी, अब नदी को पार करके राजा बलि का आश्रम है। अब नदी के किनारे खड़े हैं और सारे ब्राह्मण आ गए और इनका उपहास उड़ाने लगे, हाँ हाँ हमसे पहले जाओगे क्या, अभी नदी तो तुम पार कर नहीं पाओगे, तुम तो छोटे से बालक हो। और सारे जो ब्राह्मण है नदी पार करके चले जाते हैं, ये नदी के किनारे पे ही खड़े रह जाते हैं। अब उतने में एक ब्राह्मण आ रहा होता है जो बहुत संतोषी ब्राह्मण होता है, उसको कोई लालच नहीं होता, तो भगवान का प्रेम से जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जप करते हुए आ रहा होता है। तो इसको बोलते हैं, अरे ब्राह्मण देख, सारे के सारे ब्राह्मण तो चले गए उस राजा के पास दान लेने के लिए, मैं तो नदी पार नहीं कर सकता, मेरी तो हाइट बहुत छोटी है, मेरा इतना छोटा कद है, इतनी बड़ी नदी मैं कैसे पार करूं। ब्राह्मण तू मुझे अपने कंधे पे बिठा के नदी पार ले जाना। तो ब्राह्मण कहता है हाँ हाँ उसमें कौन सी बात है। तो ब्राह्मण उसको अपने कंधे पे बिठाता है, और अगर आप किसी छोटे बालक को कंधे पे बिठाओ तो उसके चरण को क्या करोगे, पकड़ना पड़ेगा कि गिर ना जाए। तो उनके दोनों चरण ऐसे कसके पकड़ लेता है। अब जैसे ही भगवान के चरण पकड़ता है तो उसके शरीर में रोमांच हो जाता है, और जैसे ही वो आगे चल रहा होता है तो वो भगवान के चरणों को निखारना शुरू करता है। देखता है अरे
ये तो मेरे को छल रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान है। क्योंकि जो भगवान होते हैं भगवान के चरण में चिन्ह होते हैं, भगवान के चरण में कुल मिला के 17 और 18 35 चिन्ह होते हैं। स्वस्ति का चिन्ह होता है, चंद्रमा का चिन्ह होता है, उनके चरणों में जो शंख है, गदा है, पद्म है, सुदर्शन चक्र है, बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उनके हस्त में भी चिन्ह होते हैं। इसलिए अगर कोई बोले ना कभी मैं भगवान हूँ, आजकल तो गले में बहुत सारे भगवान आ जाते हैं, उनको बोलो भैया अपना हाथ और पैर दिखा दो, पता चल जाएगा। तो वहां पे वो समझ गए कि ये तो भगवान है। जैसे ही थोड़ा आधा नदी के आधी नदी पार करी, जो बहुत गहरा पानी आया, तो बोले चलो नीचे उतरो फटाफट। बोले ब्राह्मण कैसी बातें कर रहे हो, तो मुझे आधा नदी पार करके बोल रहे नीचे उतरो, नहीं तो बिठाते ही मत, उस तरफ बिठाया क्यों, अब पूरा पार लेके जाओ। नहीं नहीं मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, जल्दी नीचे उतरो। अरे ब्राह्मण ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं छोटा सा बालों को डूब जाऊंगा, ऐसे क्यों कर रहे हो। देखो भाई ऐसा है, मेरे से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ तुम मुझे छल रहे हो, तुम कौन हो, साक्षात भगवान हो, इसलिए भी नीचे उतर जाओ। और अगर नीचे नहीं उतरना है तो पहले मुझे एक आश्वासन दो कि मैं तुम्हें नदी पार करा रहा हूँ, तो तुम भी मुझे अपने कंधे पे बिठा के भव सागर पार कराओगे। तो वहां पे जो भगवान है कहते हैं हाँ हाँ तुम मुझे समझ गए, मेरे को राजा बलि के पास जाना है, तुमने मुझे नदी पार कराई है, तो तुम्हारा तो भव सागर पार हो ही चुका है। तो वहां पे जैसे ही राजा की सभा में पहुंचते हैं, और राजा भी इनके रूप को देख के मोहित हो जाता है कि स्वयं भगवान है। कोटि कोटि जो सूर्य होते हैं, एक सूर्य को हम देख नहीं सकते, कोटि सूर्य जैसी इसकी प्रभा है, उनके आके तो सारे जो ब्राह्मण है फीके पड़ गए, मानो ऐसे लग रहा है चंद्रमा के आसपास सारे तारे मंडन हो। तो वहां पे राजा जब बोलता है कि क्या दान चाहिए, तो ये दान में क्या मांगते हैं, भगवान से 3 पग भूमि। तो राजा उपहास उड़ाता है, अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम वामन हो, तुम्हारी तो बुद्धि भी वामन है, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, अरे इतना बड़ा मैं राजा हूँ, केवल धरती का नहीं स्वर्ग का भी राजा हूँ, अरे कम से कम एक शहर, एक गांव, दो गांव तो मांग लेते, मांग भी क्या रहे हो 3 पग भूमि, और तुम्हारा पग कितना है, छोटा सा पग है, उसे क्या भूमि नापोगे। अरे अगर कहो तो तुम्हारे लिए एक बोनी ढूंढ लाता हूँ, तुम्हारा विवाह ही करवा देता हूँ, कुछ अच्छा मांगो, क्या मांगते हो 3 पग भूमि। देखो राजन, जो 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं हो सकता ब्राह्मण, उसको तो 3 लोग भी मिल जाए उसमें भी संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूँ, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, देनी है तो दो, और कैसे दो, पहले वचन दो कि दूंगा तभी मैं तुमसे लूंगा। अरे 3 पग भूमि के लिए भी कोई वचन देना है क्या, नहीं नहीं वचन तो लेना पड़ेगा। उतने में ही उसके जो गुरु है वो कौन है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य आ जाते हैं और समझ लेते हैं कि भगवान है। शुक्राचार्य बोलते हैं, नहीं राजा ये देखो ठगने आया है, ये स्वयं विष्णु है, एक ब्राह्मण के रूप में आया है, ठग मत जाइयो, बड़ी मुश्किल से तो तुमने इतना बड़ा राज्य लिया है, और इसको देना मत, इसको कभी वचन मत देना, इसको वचन देगा तो ये वचन में क्या करेगा, गुरु तो त्रिकालदर्शी होते हैं, ये क्या करेगा, 2 पग में सारा का सारा तेरा जो राज्य है पूरी धरती को नाप लेगा, और 3रा पग जब कुछ रखने के लिए ही नहीं रहेगा तेको भी बंदी बना लेगा, इसके वचन में मत आना। तो वहां पे हमारे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर यहाँ पे एक दृष्टांत देते हैं। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बता दिया ना कि ये कौन है, भगवान है, विष्णु है, तो विष्णु के दर्शन तो करा दिए, लेकिन क्या विष्णु की सेवा करने का जो टीचिंग्स है वो उसको दी, विष्णु की सेवा करने की शिक्षा नहीं दी। तो गुरु के 2 कार्य होते हैं, भगवान के दर्शन कराना और भगवान की सेवा की शिक्षा देना, हमारे हृदय में भगवान की सेवा की वासना को डाल देना। तो जो गुरु भगवान के केवल दर्शन करा सकता है लेकिन भगवान की सेवा की वासना नहीं दे सकता, उस दर्शन का कुछ महत्व नहीं होता। क्या कंस ने भगवान के दर्शन नहीं करे, चारुमुष्टि ने तो भगवान कृष्ण के साथ युद्ध भी किया था, और जब युद्ध कर रहे हैं कैसा युद्ध, मल युद्ध, पूरा कृष्ण को स्पर्श भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लाभ हुआ, नहीं। तो सबसे मुख्य क्या है, भगवान के दर्शन नहीं, मुख्य क्या है, भगवान की सेवा। इसलिए हमारे श्री स्वामी महाराज जी बोलते थे, इस्कॉन फाउंडर आचार्य, कि डोंट ट्राई टू सी गॉड बट ट्राई टू एक्ट लाइक दिस दैट गॉड वांट टू सी यू। कुछ ऐसा कार्य करो कि कृष्ण तुम्हें देखना चाहे, तुम कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी भगवान की सेवा करो, ऐसी सेवा होनी चाहिए। तो वहां पे शुक्राचार्य जी की बात को राजा नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि अगर ये भगवान विष्णु होंगे, अभी तो मेरे से दान मांग रहे हैं, और अगर मैं नहीं भी दूंगा तो भगवान है, ये तो मुझे मार के भी राज्य ले ही लेंगे, तो क्यों ना मैं अपनी कीर्ति को इस जगत में स्थापित करूं। तो वहां पे वो हाथ में संकल्प लेते हैं, और भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी बड़े चतुर हैं, भगवान भी उसके जो पिता थे विरोचन, उसके जो पिता के पिता लगे प्रहलाद महाराज, उसके जो वंशज है उन सबका गान गाना शुरू करते हैं कि देखो तुम्हारे वंश में सब लोग कितने ब्राह्मण
कि प्रिय थे, ब्राह्मणों की कैसी कैसी सेवा करते थे, तो इतना सोचते क्यों हो, जल्दी संकल्प लो। अब जब उसको संकल्प दिलाने लगे तो जो जल लेंगे संकल्प के लिए, जिस कमंडल में जल था उस जल के बिल्कुल जहां से जल निकलेगा उस पात्र के उसमें आके शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसमें जाके बैठ गए कि मैं जल ही गिरने नहीं दूंगा। अब जब वहां से जल ही नहीं गिर रहा, कमंडल ऐसे कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा हो सकता है कुछ अटक गया होगा, तिनका तिनका लो, तिनके से उसको निकाल के देखो। तो जब तिनका घुसाया तो शुक्राचार्य जी की आंख ही फूट गई। तो वहां पे बताया कि जो कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कलयुग में ब्राह्मण होते हैं, कैसे, जो कैसे ब्राह्मण होते हैं भगवान की सेवा करने नहीं देंगे। क्यों? अरे अगर इसका सारा का सारा धन भगवान लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या हूं इसका पुरोहित हूं। तो इस प्रकार के लोग भी ऐसे होते हैं कलयुग में, लोभी ब्राह्मण, जो भगवान की सेवा में धन नहीं लगने देंगे, मेरे को दो मैं तुम्हारे धन को इस्तेमाल करूंगा, और खुद ही भोगी बन जाते हैं। तो वहां पे जैसे ही भगवान ने उनको संकल्प दिलवाया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पे वामन से उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। कैसा त्रिविक्रम रूप है? भगवान ने अपना विश्व रूप वहां पे प्रकट किया। विश्व रूप कैसा है? ये जो पूरा का पूरा चौदह भुवन है, ये भगवान का एक विश्व रूप है, जिसके अंदर नीचे के अतल सूतल जो नीचे के लोग हैं वो भगवान के चरण हैं। जितने भी हम नदियां पर्वत देखते हैं ये सब भी भगवान के कोई ना कोई शरीर के एक अंग है। तो भगवान ने जब इतना बड़ा वहां पे विशाल रूप धारण किया, तो भगवान के जो चरण है, जब उन्होंने पहले चरण में ही क्या किया, पहला चरण में ही उन्होंने पूरा का पूरा इस ब्रह्मांड को नाप लिया। उनकी जो हाथ है, उनके जो हाथ है, जो हमारी 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं में उनके 10 के 10 हाथ फैले हुए हैं। अब जैसे उन्होंने अपना पहला कदम उठाया, पहले कदम में तो पूरी पृथ्वी ही उनके कदम पे है, अब जैसे ही दूसरा कदम उठाया, दूसरे कदम उन्होंने जो सबसे ऊंचा लोक है उसको बोलते हैं सत्य लोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहां पे उनका दूसरा कदम गया, उन्होंने सत्य लोक तक को नाप लिया। जब उन्होंने सत्य लोक को नाप लिया, तो जैसे ही सत्य लोक में ब्रह्मा जी का ने देखा कि अरे भगवान के चरणों के मुझे दर्शन हुए हैं, और हो सकता है कि जब प्रभु सामने हो अपने चरण मुझे नहीं धोने दे, लेकिन अभी तो प्रभु जी के चरण सामने आए हैं, तो उन्होंने फटाफट अपना कमंडल लिया और उसी समय भगवान के चरणों को धोके जो जल था उसको अपने कमंडल में रख लिया, और वो ही जल बाद में क्या बना, गंगा जल। वो ही गंगा देवी है जो बाद में ब्रह्मा जी ने इस जगत में जीवों के कल्याण के लिए उसको यहाँ पे अवतरित कराया। अब जब दो भगवानों ने सारे उस ब्रह्मांड को नाप लिया, उतने में ही बोला प्रभु ने कि भाई तूने तो मुझे वचन दिया है कि 3 पग भूमि देगा, मैंने तो 2 पग में ही तेरा सारा राज्य नाप लिया, तेरा सारा राज्य जो था वो तो मैंने 2 पग में नाप लिया, अब प्रश्न है कि 3रा पग कहाँ रखूं, और जो अपने वचन को देने के बाद पूरा नहीं कर पाता उसको दंड मिलता है। तो वहां पे राजन को इस चीज का दुख नहीं है कि मुझे दंड मिलेगा, उसको इस चीज का दुख है कि मेरी कीर्ति का क्या होगा, मेरी कीर्ति, मैंने तो इसको 3 पग भूमि का वचन दिया था, मैं अपने वचन को पूरा कर नहीं पाया। तो वहां पे ना कुछ असुर के अनुनायी थे, जो असुर की सेना थी, उन्होंने जब देखा भगवान ने तो उसको ठग लिया, ये तो बहुत बड़ा ठग निकला विष्णु, तो वो सारे के जो वहां पे असुर थे वो भगवान को मारने के लिए दौड़े। तो सोचो उनका बुद्धि कैसी होगी जो भगवान को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो वहां पे ही कुछ जो विष्णु जी के दूत खड़े थे उन्होंने उन सबको मार के, जो असुर के जो सैनिक थे उन सबको तो भेज दिया सूतन लोक। अब यहाँ पे प्रश्न होता है, दोनों के बीच में आपस में बड़ा सुंदर वार्तालाप होता है। तो राजा बलि पूछते हैं एक बात बताओ प्रभु, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है, बताओ क्या बड़ा होता है, दान या दानी, क्या बड़ा होता है, दान या दानी? दानी, दानी बड़ा है ना, क्योंकि वो दान दे रहा है। तो मैंने तो आपको अपना राज्य दे दिया, लेकिन आपको तो मैंने भी अपना दिया नहीं, मैं हूं दान देने वाला, दानी, और ये था दान। तो मैं तो अभी बाकी हूं, तो आप अपना 3रा कदम कहां पे रखो, मेरे सर पे रखो। अब देखो ये भगवान के चरण जो ब्रह्मा लोक में पहुंचे, ब्रह्म लोक में पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी ने इसका स्पर्श नहीं किया, ब्रह्मा जी ने केवल उन चरणों में जल डाला और वो जल क्या बन गया, गंगा जल। जो गंगा जल क्या करता है, देवलोक, धरती लोक और नीचे के लोक तीनों को पवित्र करता है, जो केवल जल का स्पर्श हुआ है। और यहाँ पे इसको क्या स्पर्श मिल रहा है, भगवान के चरणों का साक्षात स्पर्श इसको अपने मस्तक पे मिल रहा है। तो अब प्रश्न ये होता है, भगवान ने इसको ठगा या इसने भगवान को ठग लिया, प्रश्न है, इसने ही भगवान को ठग लिया। भक्त कैसे होते हैं, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान उनके प्रेम में अपना सब कुछ दे देते हैं। ये चरण कमल, जो चरण कमल कैसे है, यद्यपि समदिशु विदिरपि पश्यति न तव न क्रमरीचिम इदम इच्छामि निशमित वाचुत तदपि कृपाद्भुत वीचिम।
कृष्णा देव भवंतम वंदे, कृष्णा देव भवंतम वंदे। ऐसे चरण कमल जिन चरण कमलों को दर्शन करने के लिए समाधि में लग जाते हैं बड़े बड़े योगी मुनि। शिवजी समाधि में ग्रस्त हो जाते हैं, कितने युग बीत जाते हैं जिन चरणों के वो दर्शन नहीं कर पाते, आज वही चरण इनके मस्तक के ऊपर भूषित हो रहे हैं। कितना इनका सौभाग्य है। जिन चरणों को लक्ष्मी देवी क्या करती है, अपने वक्ष तल से लगा के रखती है, वही चरण आज इनके सर पे भूषित हुए हैं। तो वहां पे जब भगवान का जो गरुड़ वाहन है, गरुड़ वाहन क्या करता है, उतने में ही आके राजा बलि को नागपाश से बांध देता है। क्यों? क्योंकि तुमने दंड किया है, तुम्हें दंड मिलेगा, तुमने अपराध किया है, तीन पग बोला था नहीं दे पाए। तो वहां पे प्रहलाद महाराज जी आते हैं, उनके जो पिताजी के पिताजी हैं प्रहलाद महाराज जी, ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु अब आप इस पे कृपा कीजिए, इसने अपना सर्वस्व दे दिया और अपने आप को भी आपको भी अर्पित कर दिया है। जिसको हमारे कीर्तन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, आत्मनि वेदन तू अपदे करी हैनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता न रही लो चोदी के आनंद देखी। कि हे प्रभु जिस दिन से मैंने अपने चरणों आपके चरणों में अपने आप को आत्मनिवेदन कर दिया, अपनी आत्मा को ही आपके चरणों में पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया, उस दिन से मैंने क्या देखा, दुख दूरे के लो मेरे सारे दुख चले गए, चिंता ना रही लो इस जगत की कोई चिंता नहीं है, अब मुझे चारों तरफ क्या नजर आता है, चौधरी के आनंद देखी, चारों दिशाओं में मुझे आनंद और आनंद ही नजर आता है। अब यहाँ पे जिनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, जिनको भगवान के चरण स्पर्श हो रहे हैं, क्या उसको कभी दुख में रह सकता है? तो वहां पे वो बड़े आनंदित होते हैं और भगवान बोलते हैं कि मैं आज तुम्हें अभय प्रदान करता हूं, अब तुम्हें किसी का भय नहीं है, मेरा सुदर्शन चक्र हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वहां पे राजा बलि के बॉडीगार्ड बन गए, कौन? स्वयं सुदर्शन चक्र, स्वयं भगवान ही। और उन्होंने भगवान से क्या वर मांगा, वर क्या मांगे, वर मांगने से पहले ही भगवान ने दे दिया। क्या दिया? देखो इस जगत में भगवान कभी किसी का रखते नहीं है, भगवान कभी किसी का कुछ भी नहीं रखते। सुदामा ने चावल दिए या नहीं दिए? भगवान ने क्या उसके चावल रखने के बाद रख लिए या रेसिप्रोकेट किया? रेसिप्रोकेट किया। और भगवान जब रेसिप्रोकेट करते हैं, हम दो हाथों से दे रहे हैं तो वो चार हाथों से देते हैं, उनका रेसिप्रोकेट बहुत बड़ा होता है। भगवान के पास जो भी कोई गया है कुछ भी लेके, भगवान किसी को कुछ नहीं रखते, रेसिप्रोकेट करके इतना देते हैं कि वो संभाल भी नहीं सकता। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को बोलते हैं कि प्रभु हम आपके सामने बनिए नहीं है कि हमने आपको कुछ दिया तो हमें रिटर्न में कुछ चाहिए, अगर आप हमें रिटर्न में कुछ देना ही चाहते हो तो अपने चरणों की सेवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कई बार भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को ठग लेते हैं। कैसे ठग लेते हैं? उनको वैकुंठ लोक दे देते हैं। भगवान के पास ठगने के लिए चार चीजें हैं, ये चार चीजें अच्छी तरह समझ लो, सालोक्य, सारिष्टि, समीप्य, सारूप्य, एकतम अपियुता, दिय मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं जिनको कुछ चाहिए होता है, एक होते हैं जिनको केवल भगवान की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जो दूसरे कैटेगरी वाले होते हैं उनको प्रभु चार चीजें देते हैं, चार ऑप्शन देते हैं। क्या? सालोक्य, तुम मेरे जैसा लोक ले लो, मेरे जैसा लोग यानी कि वैकुंठ लोग। ध्रुव महाराज जी को क्या दिया? ध्रुव लोग, जहां पे कोई बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है, वहां पे प्रलय नहीं आती, वहां पे जो समय है वो एक ही समताल से चलता है, वर्तमान काल। इस जगत में वर्तमान काल नहीं है, हमें स्कूल में गलत पढ़ाया जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल वो होता है जो हमेशा रहे। समय तो कैसा है इस जगत में, घड़ी को देखो कंटिन्यूस तो घूमती रहती है, और सेकेंड की एक मल्टी सेकेंड सुई होती है वो और भी तेज घूमती है। तो इस जगत में दो काल है, भूत भविष्य, और भगवान के धाम में ना भूत है ना भविष्य है, वहां पे क्या है, केवल वर्तमान काल। तो तुम मेरा लोक ले लो, बहुत बड़े लोक के तुम मालिक बन जाओगे। दूसरा, सालोक्य सारिष्टि समीप्य सरूपे। सारिष्टि मतलब होता है उसको ऐश्वर्य दे देते हैं, जैसे भगवान का ऐश्वर्य है उसको भगवान अपने जैसा बहुत बड़ा ऐश्वर्य दे देते हैं। सारूपे अपने जैसा ही उसको चतुर्भुज बना देते हैं, इसलिए वैकुंठ में जितने भी भगवान के परिकर हैं वो सब कैसे हैं, वो सब भी चतुर्भुज हैं, उनको अपने जैसा रूप दे देते हैं। और चौथा समीपे, कि हाँ तुम वैकुंठ में ही रहोगे
वैकुंठ में तुम्हें मैं अपने समीप रखूंगा, तुम मेरे पास में रहोगे। तो इन चारों में से, ये चार प्रकार की मुक्ति है, इन चारों में से एक मुक्ति फिर भी थोड़ी ठीक है, समीप है कि हाँ कम से कम हम वैकुंठ में रहेंगे तो प्रभु के सामने तो रहेंगे, आसपास तो रहेंगे। लेकिन जो ब्रज के भक्त होते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं, वो इन चारों मुक्तियों को भी क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं, कहते नहीं प्रभु हमें ये सब भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? फिर प्रभु आगे क्या बोलते हैं भक्त, कीट जन्म हो यथा तू या दास। अरे प्रभु आप क्या मेरे को वैकुंठ का लोभ दिखाते हो, मुझे वैकुंठ का लोभ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कीड़े का भी जन्म दे दोगे मैं उस कीड़े के जन्म को भी ले लूंगा, लेकिन मैं हमेशा आपका दास बना रहना चाहता हूँ, मुझे अपने दासस से अलग मत करो, मुझे आपकी सेवा मिलती रहे। तो भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा प्रभु की सेवा चाहते हैं। तो वहां पे जो राजा बलि है उसको भगवान क्या देते हैं, भगवान बोलते हैं कि तूने मुझे स्वर्ग लोक दिया, मैं तेको स्वर्ग से भी ऊंचा लोक देता हूँ, मैं तेको सूतल लोक का मालिक बनाता हूँ, और तू सूतल लोक में रहेगा, सूतल लोक में स्वर्ग लोक से ज्यादा तेको सुख मिलेंगे। और उसके बाद जब ये मनमंत्र पूरा हो जाएगा, अगला जब मनमंत्र आएगा, अगले मनमंत्र में जो इंद्र बनोगे तुम ही बनोगे। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है। अभी जो इंद्र की पोस्ट पे बैठे हैं उनका नाम है प्रद्युम्न, उसके पुरंदर, पुरंदर। अब जब नेक्स्ट इंद्र की पोस्ट मिलेगी वो किसको मिलेगी, राजा, राजा बलि को अगली इंद्र की पोस्ट मिलेगी। अगर आप भी थर्ड वाली खाली है, अगर आप लोग चाहो तो साधन भजन कर सकते हो, थर्ड मनमंत्र की आपको मिल सकती है, सेकेंड वाली फिक्स हो चुकी है। तो वहां पे भगवान ने इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा करी। बोलो वामन भगवान की। अब हम आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण जन्म की ओर। इससे पहले जितने भी भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है भागवतम में, जो भगवान के अवतार हैं, उसके लिए वेदव्यास जी कहते हैं एते च अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि अब तक मैंने जितने भी अवतारों का वर्णन किया वो सब भगवान कृष्ण की कला थी या उनके अंश थे। अब जिनका वर्णन कर रहा हूँ वो कौन है, वो साक्षात अवतारी, अवतारी जिनसे सारे अवतार आते हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं भगवान का अर्थ है जिनसे सबकी भगवत्ता स्थापित होती है, कृष्ण से ही सारे अवतारों की भगवत्ता स्थापित हुई है। जब कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, कंस के अत्याचार से ग्रस्त होकर जितने भी देवता हैं, सारे देवता पहुंचते हैं भगवान के पास। भगवान के पास कैसे पहुंचते हैं, पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को लेके जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी लेके जाते हैं शिरोदक्षाय विष्णु जी के पास। तो जब सब शिरोदक्षाय विष्णु के पास जाके पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो सारे शिरोदक्षाय विष्णु से ही होते हैं, तो वहां पे जब ये शिरोदक्षाय विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने बोला कि देखो अब कंस का जो अत्याचार हो रहा है अब मैं नहीं आऊंगा, अब मेरे भी जो मूल है अवतारी वो आएंगे। तो इस ब्रह्मांड से उस पर व्योम में जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, विष्णु जी अपने साथ ब्रह्मा जी को लेके उधर लेके जाते हैं, कहाँ पे, उस गोलोक धाम में। और उस गोलोक धाम में जब ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के साथ, तो वहां पे उन्होंने जब गोलोक धाम की शोभा देखी और देखा कि वहां पे कौन है, कृष्ण सामने खड़े हैं, तो उतने में क्या हुआ, जिन विष्णु जी के साथ ब्रह्मा जी गए थे अगले ही क्षण क्या देखा, वो विष्णु जी भी कृष्ण में प्रवेश कर गए। और अब तक जितने भी अवतार हो चुके हैं, नरसिंह, कूर्म, वरा, जितने भी भगवान के अवतार हो चुके हैं, क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे अवतार किसमें जा रहे हैं, सारे अवतार कृष्ण में ही जाते जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि ये कृष्ण कौन है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तब उन्होंने ग्रंथ लिखा ब्रह्म संहिता। इस ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है उसको आप हमारे पीछे बोलेंगे, ये कृष्ण भगवान का एक स्तुति है, ईश्वर परम कृष्णा सचेत आनंद रूपा अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर परम कृष्णा। परम ईश्वर कौन है, कृष्ण। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर के भी कंट्रोलर कौन है, परमेश्वर कौन है, वो है कृष्ण। कैसे है, सचेत और आनंद के विग्रह हैं, हमारी तरह उनका शरीर नहीं है, वो सच चित और आनंद की प्रतिमूर्ति है। और कैसे है, अनादिर आदिर, अनादि और आदि, ये दो शब्द हैं, वो सबके आदि हैं, ब्रह्मा जी के आदि विष्णु जी, विष्णु जी के आदि करोदक्षाय विष्णु, उनके आदि संकर्षण, और उनके भी जो मूल आदि है वो कौन है, स्वयं श्री कृष्ण सबके आदि है, और स्वयं अनादि जिनका कोई आदि नहीं है। ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम का मैं भजन करता हूँ।
तो वहां पे भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि तुम सारे देवताओं को बोलो कि सारे देवता यदुवंश में जन्म लें और बहुत जल्दी मैं देवकी के घर में अवतीर्ण होने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो देवकी है, जो कंस की बहन लगती है, कंस जब देवकी का विवाह करके लेके जा रहा है तो रास्ते में ही आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? अरे मूर्ख कंस, तू जिस अपनी बहन को लेके जा रहा है, इसी का आठवां जो पुत्र है, इसी का आठवां पुत्र क्या बनेगा? तेरे विनाश का कारण बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा वो। तो वहीं पे ही जो कंस है, अभी तो उसने हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, रथ में वसुदेव महाराज जी और देवकी को लेके जा रहा है। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, उसी समय जिस हाथ से उसने घोड़े की लगाम पकड़ी थी, उसी हाथ से देवकी के बालों को पकड़ लेता है, और देवकी के बालों को पकड़ने के बाद हाथ में तलवार की मान से तलवार निकाल लेता है कि जब इसका आठवां पुत्र मेरा कारण बनेगा तो अभी ही इसको मार देता हूं। तो वहां पे वसुदेव महाराज जी क्या करते हैं, वसुदेव महाराज जी ने कंस को समझाया। कैसे समझाया? साम दाम दंड और भेद से समझाया। अरे कंस, तेरी कितनी कीर्ति है जगत में, और तू अपनी कीर्ति को क्यों अपयश में बदलना चाहता है? सारी दुनिया क्या बोलेगी कि भाई ने शादी के दिन ही अपनी बहन को मार दिया डर के कारण, और स्त्री के ऊपर प्रहार करता है, कम से कम अपनी कीर्ति की रक्षा कर ले। और वहां पे उसको बहुत प्रलोभन दिया, और उसको प्रलोभन देके समझाया कि इसका जो आठवां पुत्र है, देखो तो उससे भय है ना, इससे क्यों भय करता है, ये तो तेरी प्यारी बहन लगती है। मैं तेको वचन देता हूँ कि आठवां पुत्र मैं तेको ला के दूंगा। आठवां पुत्र क्या? मैं तेको सारे ही पुत्र ला के दूंगा। तो कंस को पूरा विश्वास था कि वसुदेव महाराज जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो वसुदेव महाराज जी के वचनों पर विश्वास करके उसने देवकी को वहां पे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि इस संसार के लोग जो भगवान से बहिर्मुख हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? अपनी जीभ के लालच में आके इस छोटी सी जीभ को संतुष्ट करने के लिए किसी को भी मार देते हैं। आप देखो प्रायः जगत में लोग नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते, मुर्गी को मारते हैं नहीं मारते, मच्छी को मारते हैं नहीं मारते, बकरों को मारते हैं नहीं मारते, किसके लिए मारते हैं? अपनी जीभ को संतुष्ट करने के लिए। छोटी सी जीभ, ये 2 इंच की जीभ, इस 2 इंच की जीभ को संतुष्ट करने के लिए नरक में जाना पड़ता है। तो इस संसार के जो भगवान के बहिर्मुख लोग हैं, उनकी कैसी स्थिति होगी, जो किसी का गर्दन काटने में भी एक क्षण नहीं लगाते, किसको संतुष्ट करना है? केवल अपनी जीभ को। कितनी देर के लिए संतुष्ट करना है? कुछ क्षण के लिए। अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है, कितने क्षण का सुख होता है? कुछ क्षण के सुख के लिए किसी को पूरा गर्दन से काट देते हैं। ऐसे भगवान के बहिर्मुख लोग होते हैं। लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं? वो कभी चींटी का भी बुरा नहीं कर सकते, जो भगवान के भक्त होते हैं। तो वहां पे वसुदेव महाराज जी जब वापिस आते हैं महल में, और जब उनका पहला पुत्र होता है, तो पहले पुत्र को जाके वो हाथ में कंस के देते हैं। और कंस पहले ही पुत्र को देख के क्या समझता है? अरे मैं तो इसका मामा लगता हूँ, तो मेरा भतीजा, ये छोटा सा बालक मुझे क्या मारेगा, मुझे तो आठवें पुत्र से भय है ना, इसका इससे मुझे कोई भय नहीं है। ये लोग वसुदेव महाराज, इस पुत्र को वापस लेके चले जाओ, और अपनी बहन को भी बोलते हैं इस पुत्र को वापस ले ले, आठवां पुत्र मुझे दे दियो। अब उतने में ही नारद जी क्या देखते हैं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नारद जी अपने हाथ में कमल का फूल लेके आ जाते हैं, और कमल का फूल लेके आते हैं और कंस के पास जाके बोलते हैं, ये कमल के फूल में जो 8 पंखड़ियां हैं, इसमें से बता पहली कौन सी और 8वीं कौन सी है। अब कंस को समझ में नहीं आती, कह रहे देख अगर मैं यहाँ से गिनूंगा तो ये हो गई 8, और इसके अगली वाली से गिनूंगा तो जिसको पहली गिना है वही 8 हो गई, जिसको मैं दूसरी समझ रहा हूँ और उसको पहला समझ लूँ तो पहली वाली तो 8 हो जाएगी। कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, तो इसमें 8वीं कौन सी है? इसमें कोई भी 8वीं हो सकती है भाई, वो विष्णु है, वो हो सकता है 8वीं से गिनती करना शुरू करे और पहला पुत्री फिर क्या हो जाएगा, जिसको तुमने छोड़ा है वही 8वां पुत्र हो जाएगा, तू विष्णु को नहीं जानता, विष्णु बहुत चतुर है। तो कंस कहता है अरे वाह, आपने तो बढ़िया अच्छा किया गुरु जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे दिव्य ज्ञान दे दिया, अभी जाके पहले पुत्र को भी मार देता हूँ। तो वसुदेव महाराज जी को जब पहले पुत्र को छोड़ दिया था, तो वसुदेव महाराज जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए थे। एक पिता को तो प्रसन्न होना चाहिए ना कि मेरे पुत्र को नहीं मारा, छोड़ दिया। वसुदेव महाराज जी जानते थे कि ये कंस क्या है, दुष्ट है, दुष्ट के वचन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो जानते थे ये दुष्ट है, उनको पता था कि ये मेरे पुत्र को आज नहीं तो कल कुछ भी बोल सकता है, इसकी बात पे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वसुदेव महाराज जी वो अपनी बात के पक्के थे, तो वहां पे पहले पुत्र को लेके मार दिया, और कहीं ये भाग ना जाए जब दूसरा पुत्र हो, इसके दोनों को कारागार में डाल दिया। करते करते 2, 3, 4, 5, 6 पुत्र हो गए, सबको एक एक करके मार दिया। अब 7वीं बार जब देवकी जी गर्भवती होती है,
अभी गर्भ को 7 या 8 महीने हुए थे, पुत्री में क्या हुआ, देखा कि उसका गर्भ गिर गया। तो कंस ने देखा कि सातवां पुत्र तो हुआ ही नहीं है, गर्भ ही गिर गया। लेकिन सातवें गर्भ में कौन थे, सातवें गर्भ में बलराम जी थे। तो बलराम जी ने 2 अंश से जन्म ग्रहण किया था। कैसे, यहाँ पे तो देवकी के गर्भ में भी थे और रोहिणी के गर्भ में भी थे। रोहिणी के गर्भ में स्वयं बलराम जी थे और यहाँ पे उनके एक अंश थे। तो इन्होंने क्या किया, इस गर्भ ने उस गर्भ का आकर्षण कर लिया, इसलिए बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। उन्होंने क्या किया, अपने ही अंश को देवकी के गर्भ से खींच लिया। क्यों, क्योंकि अगर बलराम जी का जन्म हो जाता और वो कंस के हाथ में चले जाता तो कंस का तो उसी समय जय राम जी करके पूरी लीला ही खत्म हो जाती, फिर भगवान आते क्यों। तो इसलिए बलराम जी ने क्या किया, पहले ही देवकी के गर्भ से सातवें गर्भ को खींच के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया योगमाया देवी ने। तो पूरे मथुरा में खबर फैल गई कि सातवां गर्भ तो वैसे ही गिर गया भय के कारण देवकी के। अब आठवां गर्भ, आठवें गर्भ में कौन आते हैं, आठवें गर्भ में आते हैं भगवान कृष्ण। जब देवकी के आठवें गर्भ में भगवान कृष्ण आए तो उस समय देवकी का ऐसा तेज हो गया कि कंस भी देवकी के सामने आ नहीं सकता, सूर्य समान देवकी चमकने लगी। और जब गर्भ में कृष्ण ने देवकी के प्रवेश किया तो जितने भी देवी देवता हैं, सारे देवी देवताओं ने आके वहां पे भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति गान करी है। गोपी प्रभु, सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम सत्यस्य आत्मकम ऋत सत्य नेत्रम सत्यस्य सत्यम सत्यत्वम सत्यम। क्या कह रहे हैं कि प्रभु आप कैसे हो, सत्य व्रतम, आप सत्य व्रत हो, जो भी आप व्रत धारण करते हो उसको सत्य निभाते हो। हम जब आपके पास आए थे आपने व्रत लिया था कि हाँ मैं क्या करूंगा, अवतीर्ण होऊंगा। तो हम देख रहे हैं कि आप देवकी के घर में आ चुके हो, सत्य व्रतम सत्य परम, आप ही परम सत्य हो। और आप कैसे सत्य हो, त्रिकाल सत्य, आप त्रिकाल सत्य हो। आपका जो गर्भ है, जिस गर्भ में आपने जन्म लिया है, देवकी का गर्भ कोई आम गर्भ नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म करम च मे दिव्यम एवम, अरे भाई मेरे जन्म को अपने जन्म की तरह मत समझना। एक बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है और उस गर्भ में क्या होता है, खून पेशाब टट्टी मल मूत्र। भगवान का जन्म वैसा नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा जन्म बहुत दिव्य है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो भगवान अजन्मा है और अजन्मा लेके भी क्या कर रहे हैं, जन्म ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान के अंदर ये 2 विरोधाभास चीजें एक साथ है। हम कमरे के अंदर है या बाहर है, हम कमरे के बाहर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कमरे के अंदर भी रहूं और कमरे के बाहर भी रहूं, ये संभव है, भगवान के लिए संभव है। हॉलैंड में एक व्यक्ति था, उसको बहुत डेयरिंग चीजें करना पसंद था। वो क्या करता है, जो बड़ी बड़ी वहां पे इमारतें होती है, स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग, उसके 100वीं मंजिल पे चढ़ जाएगा, वहां से जाके पूरा लटक जाएगा, एक हाथ से अपनी सेल्फी खींचेगा ऐसे। ट्रेन चल रही है 350 की स्पीड से, ट्रेन के सामने ट्रैक में उल्टा भागेगा और सेल्फी खींचते हुए। तो इस प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें करता था। एक दिन उसको नीचे गिरी हुई एक ईशोपनिषद ग्रंथ मिल गया। ईशोपनिषद हमारा एक उपनिषद है। ईशोपनिषद का जो फ्रंट में भगवान विष्णु की फोटो है चतुर्भुज रूप में, जैसे ही उसने उस फोटो को देखा अपना सर खुजाने लगा कि भाई ये कौन सा प्राणी आ गया, चार हाथ वाला, चार हाथ वाले प्राणी भी कभी होते हैं क्या। अब उसने उस फोटो को देख के उसके हृदय में जिज्ञासा हुई, ग्रंथ को खोला तो पहला श्लोक पढ़ा, दूसरा श्लोक पढ़ा, उसमें क्या लिखा है, 1 - 1 = 1। अब उसने कहा 1 - 1 = 1 कैसे हो सकता है, पूर्णमदम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णम अवश्य एव पूर्ण एव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण से निकलने के बाद पूर्ण ही बचते हैं। भगवान कैसे हैं, भगवान कण कण के अंदर है और कण कण भगवान के अंदर है। भगवान कमरे के अंदर है, सृष्टि के अंदर है, और सृष्टि भगवान के अंदर है, भगवान सृष्टि के बाहर भी है। भाई ये कैसे हो सकता है, या तो भगवान सृष्टि के अंदर होंगे या सृष्टि भगवान में होगी, दोनों चीजें कैसे हो सकती है। तो उसका और जिज्ञासा बढ़ती रही, पास में किसी मंदिर में गया, वहां पे हॉलैंड में हमारे गौड़िया मठ भी है, वहां पे इस्कॉन टेम्पल्स भी है, वहां पे जाके भक्तों से पूछा कि भाई ये संभव कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा प्राणी है जो ऐसे कार्य कर सकता है। बोले यही तो, ये है अचिंत्य शक्ति, जिसकी हम चिंता भी नहीं कर सकते। भगवान के ऐसे कार्य होते हैं जिसकी हम चिंता नहीं कर सकते, वो हमारे चिंता के परे है, इसलिए बोलते हैं अचिंत्य। तो ये भगवान है। उसने बोला क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या।
क्योंकि उसको डेयरिंग चीजें करना पसंद था। उसने कहा भाई तुम इस जगत में सबसे बड़ा जो तुम कार्य कर सकते हो, जो सबसे बड़ा डेयरिंग कार्य है वो क्या है? इस जगत का सबसे बड़ा डेयरिंग कार्य है कि सब लोग मरते हैं। मरते हैं नहीं मरते किसी से पूछो भाई, ये तो इनएविटेबल ट्रूथ है, इससे तो कोई बच ही नहीं सकता, ध्रुव सत्य है। बोला लेकिन अगर तुम कृष्ण भक्त बच जाओगे तब तुम मृत्यु को भी पार कर जाओगे, इससे बड़ा डेयरिंग इस जगत में और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे बड़े डेयरिंग कौन होते हैं? भगवान कृष्ण के डिवोटीज, जो क्या करते हैं, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। तो वहां पे भगवान की जब स्तुति गान कर रहे हैं कि हे प्रभु आप जिस योनि में आए हैं वो भी सत्य है, आपका धाम भी सत्य है, आपके भक्त भी सत्य हैं, आपकी सारी लीलाएं सत्य हैं, और आप कैसे हैं ऋत सत्य नेत्रम, आप अपने भक्तों के लिए पुनः पुनः इस जगत में आते हैं, किस लिए आते हैं? भक्त विनोदाय। अगर कंस को मारना होता, क्या कंस को मारने के लिए भगवान आएंगे? खुद सोचो, भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए आएंगे क्या? वो तो भगवान वैसे ही कर सकते हैं। भगवान जो एक क्षण के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं, उसी एक क्षण में अनंत कोटि ब्रह्मांड की प्रलय, फिर उसी क्षण में अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो रचना कर सकते हैं, वो कंस को मारने क्यों आएंगे? तो भगवान के आने का जो मूल कारण है वो क्या है? भक्त विनोदाय। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो वहां पे जब घर में सबने स्तुति गान करी, देवकी के घर में सब लोग स्तुति गान कर रहे हैं, उतने में ही क्या होता है, अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे जब लग जाता है, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म का बिल्कुल समय उपस्थित होता है, उस समय भगवान की योग माया शक्ति क्या करती है, कंस और कंस के जितने भी दूत हैं, जितने भी वहां पे उसके सैनिक हैं, सबको नींद आ जाती है, सब लोग निद्रा में भंग, सब निद्रा में सो जाते हैं। और वहीं पे ही ब्रज में जो गोकुल महावन है, साथ में ही जब यहाँ पे देवकी जी गर्भवती है तो वहां पे यशोदा मैया भी गर्भवती होती है। तो जब वहां पे यशोदा मैया गर्भवती होती है, रात को 12 बजे ही यशोदा मैया ने भी क्या किया, एक संतान को जन्म दिया। वहां पे यशोदा मैया जन्म दे रही है, यहाँ पे मथुरा में देवकी जी जन्म दे रही है। अब देवकी के सामने भगवान कृष्ण जब रात को प्रकट होते हैं तो वो कैसे प्रकट होते हैं? चतुर्भुज में प्रकट होते हैं, द्विभुज में प्रकट होते हैं, बिल्कुल नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन यशोदा माता के यहाँ पे रात को 12 बजे क्या होता है, जैसे एक प्राकृत शिशु का जन्म होता है गर्भ से, उसी प्रकार से वहां पे यशोदा मैया के गर्भ से एक प्राकृत शिशु जैसा जन्म होता है, जिसमें कृष्ण का जो गोपी जिसने जन्म दिया, जो वहां पे गर्भ से कृष्ण को बाहर निकाल रही है, वो नाड़ी छेदन भी करती है। नाड़ी छेदन समझते हैं ना, बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ा होता है। तो कृष्ण ने रात को 12 बजे यशोदा मैया के यहाँ पे क्या किया है, बिल्कुल जन्म ग्रहण किया है। इसलिए बोलते हैं कृष्ण जन्म अष्टमी, कृष्ण का जन्म हुआ है। राम नवमी, राम जी का जन्म नहीं हुआ, राम जी प्रकट हुए हैं। तो वहां पे भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, और वहां पे यशोदा मैया के गर्भ से बिल्कुल प्राकृत शिशुवत जन्म होते हैं। लेकिन योग माया देवी क्या करती है, ब्रजवासियों को भी सबको योग निद्रा में सुला देती है, सब ब्रजवासी सो जाते हैं। और यशोदा मैया को उस गर्भ पीड़ा के कारण उनको भी ये नहीं पता चलता कि मेरे यहाँ पे पुत्र ने जन्म लिया है या पुत्री ने जन्म लिया है। वहां पे यशोदा मैया के गर्भ से दो संतान का जन्म होता है, कृष्ण का और कृष्ण की अनुजा उनकी छोटी बहन का, जिसको बोलते हैं योग माया देवी का। और यहाँ पे ये चतुर्भुज रूप में कृष्ण प्रकट हुए। अब उतने में ही वसुदेव महाराज जी क्या करते हैं, वसुदेव महाराज जी को भगवान का आदेश होता है कि तुम इस बालक को क्या करो, जाके गोकुल महावन यमुना के उस पार, यशोदा के गर्भ में भी अभी बच्चे का जन्म हुआ है, वहां पे जाके रखा हो, और वहां पे जो कन्या है उसको लेके आ जाओ। अब जो देवकी जी है भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु आपने मेरे यहाँ पे पुत्र के रूप में जन्म लेना था, और सारा समाज क्या करेगा, मेरा उपहास उड़ाएगा। अगर मैं किसी को बोलूंगी कि मेरा पुत्र ने गर्भ से जन्म लिया और वो इतना बड़ा चतुर्भुज रूप में था, तो सब लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। आपको पुत्र के रूप में जन्म लेना था तो पुत्र के रूप में आओ ना। तो भगवान वहीं पे शिशु रूप धारण करके उनकी गोद में आते हैं और उनको वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करवाते हैं। और वहां पे जो वसुदेव महाराज जी हैं उस पुत्र को लेके यमुना के उस पार रात को जाते हैं, और वहां पे जाके क्या देखते हैं कि वहां पे एक कन्या है, लेकिन वहां पे भी कृष्ण है, लेकिन वहां पे जो कृष्ण है वो उनको देख नहीं पा रहे। और इसलिए वहां पे जो कृष्ण है, जो वृंदावन में जिनका जन्म हुआ है, उनको बोलते हैं वृंदावन वाले कृष्ण, वो है ब्रजेंद्र नंदन। और जिन्होंने मथुरा में प्रकट हुए थे ये है मथुरेश कृष्ण, और जो द्वारका में है वो है द्वारकाधीश कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण के तीन एक्सपेंशन है।
तो ये जो मथुरेश कृष्ण थे, ये मथुरेश कृष्ण क्या करते हैं, उस ब्रज में जाके यशोदा मैया के जो कृष्ण थे उनमें जाके समा जाते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को, कि मथुरेश कृष्ण वृंदावन कृष्ण में जाके समा जाते हैं और वहां पे वो केवल उस कन्या को ही देख पाते हैं और अपने पुत्र को वहां पे रख देते हैं और इस कन्या को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। जब इस कन्या को यहाँ पे लेके आ जाते हैं वापस, फिर इनके जो द्वार थे जो खुले थे बंद हो जाते हैं, कंस की वापस नींद खुल जाती है। उसके आगे क्या हुआ उसको हम कल जानेंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। अब हम ब्रज में प्रवेश करते हैं। अब सुबह वहां पे मनाया जाता है नंद उत्सव। जब नंद महाराज जी को पता चलता है कि मेरे यहाँ पे कृष्ण ने लाला ने जन्म लिया है, क्योंकि नंद महाराज जी क्या है, वृद्ध हो चुके हैं। वृद्ध अवस्था में उनको आशा नहीं थी कि मुझे संतान होगी। यशोदा मैया भी वृद्ध हो चुकी थी और जब ये वृद्ध काल इनका आ चुकी थी और सारे ब्रजवासी दुखी थे कि इनको संतान क्यों नहीं होती, क्योंकि वो कौन है, ब्रज के राजा है, राजा को संतान नहीं होगी तो प्रजा दुखी होगी। तो वहां पे किसी ब्राह्मण ने उनको बोला कि तुम एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत रखने से तुम्हें बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। तो ये जो एकादशी का व्रत हम लोग रखते हैं ये किसने शुरू किया था रखना, ब्रज में ये नंद बाबा और यशोदा मैया भी रखते थे। तो वहां पे जब इनको वृद्ध अवस्था में बालक हुआ है, नंद महाराज जी आज बहुत आनंदित आनंद में है। तो नंद महाराज जी ने क्या किया, बहुत बड़ा नंद उत्सव बनाया। इसलिए जन्माष्टमी के अगले दिन क्या मनाया जाता है, नंद उत्सव। हाथी घोड़ा पाल की, इतनी गैया दान करी, इतनी गैया दान करी कि स्वर्ग में जो देवता थे वो भी डर गए, क्या इतना भी कोई दान धरती पे कर सकता है क्या। कुबेर कौन है, कुबेर धन के राजा है। तो कुबेर के जितने भी अनुनायी थे, जो उनके सारे सेवक थे, सबको जब पता चला कि नंद महाराज जी दान दे रहे हैं और दान में क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गैया दान कर रहे हैं, सुरभि गायें दान कर रहे हैं, सोना, सोना तो बहुत छोटी चीज है, सोने से जितने भी बड़ी और जो मणियां होती है, पद्म राग मणि, नील मणि, अनेक अनेक प्रकार की मणियों को दान दे रहे हैं। तो कुबेर के जो सेवक थे वो आए और सारे देवता भी क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके नंद महाराज जी के महल के आगे एक पंक्ति में खड़े हैं, करतार में खड़े हैं, हमें भी दान मिलेगा। जब इनको दान मिला, दान मिलने के बाद जब ये वापस स्वर्गलोक में गए तो कुबेर ने देखा कि मेरे सारे सेवक का चले गए, तो दान लेने गए थे अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वापस आने के बाद सेवक क्या बोल रहे हैं, अरे कुबेर आज से हम तेरी नौकरी नहीं करेंगे, जितनी तू हमें सैलरी देता था हम तेरे को डबल सैलरी देंगे, तू हमारी नौकरी कर ले। क्यों, क्योंकि हमें इतना सारा दान मिल चुका है। तो कुबेर जो धन का राजा है उसका अहंकार चूर्ण हो गया कि कहां मैं धन का राजा हूं, धन के राजा तो नंद महाराज है। और कुबेर ने क्या किया, कुबेर भी आ गया और कुबेर भी खड़ा हुआ कि मुझे क्या मिल जाए, नंद महाराज जी के यहां से कुछ धन मिल जाए। क्यों, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने वहां पे ब्रज में जन्म लिया तो ब्रज में कितनी लक्ष्मी है, वैकुंठ में एक लक्ष्मी है, केवल एक, जो भगवान के वैकुंठ लोक में विष्णु जी की सेवा करती है। लेकिन ब्रज में कितनी लक्ष्मी है, ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सदम सौ कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सहस्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि अरे सहस्र, सहस्र मतलब होता है करोड़ों, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां ब्रज में क्या करती है, कृष्ण की सेवा करती है। सोचो जहां विष्णुपति जिनकी एक लक्ष्मी है और ब्रज में कितनी लक्ष्मियां है, करोड़ों लक्ष्मियां, तो सारी की सारी करोड़ों लक्ष्मियां क्या कर रही है, नंद महाराज जी के उस भंडार में आके बैठी हुई है और कैसी सेवा करती है, संभ्रम। संभ्रम मतलब क्या होता है, घर में रोटी बनाने वाली एक बाहर से कुक आती है, अब उसको डर लगता है अगर मैंने गलती से ज्यादा नमक डाल दिया तो मालिक मुझे डांटेगा कि तूने नमक ज्यादा क्यों कर दिया। सफाई करती है, उसको डर लगता है गलत सफाई करी तो मालिक डांटेगा। लेकिन घर में जब अपनी पत्नी खाना बना रही है, नमक ज्यादा हो गया, पति बोलता है नमक ज्यादा, तो क्या बोलती है, कल खुद बना लेना ना फिर खाना, मेरे को क्यों बोलते हो। तो संभ्रम, संभ्रम भाव मतलब होता है डर डर के। तो लक्ष्मी जी जब कृष्ण के गोलोक धाम की सेवा करती है, कैसे करती है, संभ्रम भाव से करती है। इतना दान कर रहे हैं नंद महाराज जी कि स्वयं जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी भी चकित हो जाती है, क्या कोई इतना दान कर सकता है क्या। सारे देवता भी आके वहां पे दान ले रहे हैं। अब वहीं पे दर्शन करने के लिए आते हैं शिव जी। शिव जी देखते हैं कि मैं तो जिस अपने वाहन पे आया हूँ, शिव जी का वाहन क्या है, नंदी। अरे तू इतनी गाय दान कर रहे हैं, मेरे पास तो एक ही नंदी है, अगर मेरा नंदी भी दान कर दिया तो मैं क्या करूंगा। तो उस नंद उत्सव में जहाँ सारे ब्रजवासी हैं, तो शिव जी अपनी नंदी की पूंछ को छोड़ नहीं रहे हैं, पूंछ को कसके पकड़ के रखा हुआ है कि मेरे हाथ से नंदी चली गई तो पार्वती जी भी आई है गणेश जी को लेके, छोटे से है, गोद में रखा हुआ है और क्या करती है, अपनी चुन्नी से ऐसे करके छुपा लेती है। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी भी तो दान कर रहे हैं, गलती से मेरे पुत्र को दान कर दिया तो मैं क्या करूंगी, मेरा तो एक ही पुत्र है। तो नंद महाराज जी ने वहां ऐसा दान किया
इतना बड़ा वहां पे नंद उत्सव हुआ, सारे ब्रजवासी आज बहुत आनंद में हैं। तो आज हम भी उसी ब्रज में प्रवेश करते हैं, उस नंद उत्सव में, कि आज सबको आनंद है क्योंकि ब्रज में कौन आए हैं? कृष्ण आए हैं। जिसके जीवन में कृष्ण आ जाते हैं फिर उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं, और जब तक कृष्ण जीवन में नहीं आए तब तक सुख दुख की लहरें में हम लोग चलते रहेंगे। तो अभी हम सब लोग खड़े होकर भगवान कृष्ण का स्वागत करते हैं, उस नंद भवन में हम लोग चलेंगे जहाँ पे सारे ब्रजवासी आके क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे ब्रजवासी हैं वो तो नृत्य करेंगे, और जो कंस था ना, कंस बड़ा दुखी था कि आए कृष्ण का जन्म हो गया, तो जो मथुरा वाले हैं वो लोग नृत्य नहीं करते, तो मथुरा वाले जो है वो खड़े रहना, और जो ब्रज वाले